जी बच्चों, बच्चों अब समझते हैं व्हाट इज एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है अगर आप इस वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा एक ऐसा एनवायरनमेंट जो क्या है ऑटोमेटेड है मतलब जिसमें चीज ऑटोमेटिकली होने लग रही है कहने का मतलब ये हुआ बच्चों जहाँ पर सिस्टम ऑटोमेटिकली चीजें कर रहा है उसे क्या कहा जाता है बच्चों ऑटोमेटेड एनवायरमेंट अगर आप एक सिंपल एग्जाम्पल लेना चाहें बिफोर वी गो इन टू बिजनेस एग्जाम्पल हमारे पास मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं देश भर के अंदर अब जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन के गेट पर अपना मेट्रो कार्ड पंच करते हैं तो वो आपको एंट्री अलाउ कर देता है जाने के लिए अगर आप नहीं पंच करते हैं जब तक आप पंच नहीं करते वो आपको एंट्री अलाउ नहीं करता तो कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है एक ऐसा एनवायरमेंट बन गया जहां पे आप जाओ पंच करो ऑटोमेटिकली गेट खुलेगा आप निकल जाइए अगर आपके कार्ड में बैलेंस नहीं है तो वो आपको करने एंट्री करने नहीं दे रहा तो दिस इज इजमेंट जो ऑटोमेटिकली हो रहा है सिमिलरली बिजनेस में एक ऐसा एनवायरमेंट जहां पर चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है वो होता है बच्चों ऑटोमेटेड एनवायरमेंट एक बार रीड करते हैं एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट बेसिकली रेफर्स टू अ बिजनेस एनवायरमेंट एक ऐसा बिजनेस एनवायरमेंट जहां पर प्रोसेसिस ऑपरेशन अकाउंटिंग एंड इवन डिसीज आर कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब आप आगे डेफिनेशन समझेंगे तो आप देखेंगे की सिस्टम आई एस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम इन्फॉर्मेशन सिस्टम दोनों तीनों चीजें सेम होती है सिस्टम बेसिकली क्या होता है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्क एंड Processes. आप जब आगे जाएंगे तो डेफिनेशन को समझेंगे तो अभी हमने ये कहा एक ऐसा एनवायरमेंट जहां पर प्रोसेसेस ऑपरेशंस अकाउंटिंग और डिसीजन कौन करता है कंप्यूटर सिस्टम करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम करता है आईटी सिस्टम करता है आईटी सिस्टम आई एस इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम तीनों सिमिलर टर्म्स के लिए यूज होते हैं तो एक ऐसा एनवायरमेंट जहां पर प्रोसेसेस ऑपरेशन अकाउंटिंग और डिसीजन कौन कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम कर रहा है मींस ऑटोमेटिकली हो रहे हैं उसको कहा जाता है बच्चों ऑटोमेटेड एनवायरमेंट सर कोई एग्जांपल दीजिए हमने कहा चलिए बच्चों हमने कहा बच्चों बिजनेस एनवायरमेंट प्रोसेसेस ऑपरेशन अकाउंटिंग और डिसीजन ऑटोमेटिकली होने चाहिए प्रोसेस हमने कहा प्रोसेस क्या है सेल्स ऑर्डर होगा सेल्स ऑर्डर का हमने कहा एक सेल्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं पहले सेल्स में सबसे पहले क्या होता है बच्चों सेल्स ऑर्डर होता है फिर सेल्स अप्रूव होती है फिर वंस अप्रूवल इज डन उसके बाद गुड्स का एक्सिट होता है उसके बेस पे इनवॉइस जनरेट होता है और अकाउंट्स में एंट्री होती है ठीक है ये पूरा का, पूरा का प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रहा है सेल्स अप्रूवल एक पर्सन ने पंच किया दूसरे पर्सन ने उसे सिस्टम पे अप्रूव कर दिया जैसे ही अप्रूव हुआ डिस्पैच वाले ने क्वांटिटी को डिस्पैच करके वहां टिक कर दिया कि मैंने डिस्पैच कर दिया उससे क्या हुआ बच्चों इनवॉइस ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया उसकी एंट्री अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली चली गई रेवेन्यू की एंट्री ऑटोमेटिकली अकाउंट्स में बुक हो गई किसी पर्सन को जाके सेल्स की एंट्री अलग से डालनी नहीं पड़ी ये होता है बच्चों प्रोसेस ऑटोमेटिक हो गया प्रोसेस ऑटोमेटिक कैसे हो गया जैसे ही डिस्पैच वाले ने वेयर हाउस वाले ने गुड्स को एक्सेप्ट किया सेल्स की एंट्री सेल्स ऑर्डर से लिंक होकर अपने आप बुक्स में चली गई ठीक है ऑपरेशन ऑपरेशन का हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे ही सेल्स हुई सेल्स होने से क्या होगा बच्चों इन्वेंट्री क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी कम हो जाएगी तो वो ऑपरेशन मतलब दोनों प्रोसेस ऐसे लिंक थे एप्लीकेशन ऐसे लिंक थी इन्वेंट्री और सेल्स वाली कि जैसे ही आपने सेल्स की क्वांटिटी पंच हुई वहां पर सेल्स बुक हुई इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली कम हो गई अकाउंटिंग जैसे ही इन्वॉइस जनरेट हुआ इन्वेंट्री कम हुई उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी बन गई और उस अकाउंटिंग एंट्रीज की हेल्प से बैलेंस शीट पी एंडल और टीबी भी सिस्टम से ऑटोमेटिकली जनरेट हो सकता है डिसीजन सिस्टम के अंदर बच्चों कमांड्स फिल होती है की कि हाँ किस केस में आपको क्या करना है फॉर एग्जाम्पल आपने कहा आपके पास ए बी सी डी ई पांच तरीके के प्रोडक्ट है इन पांचों का एम आपने सिस्टम के अंदर डाल रखा है तो जैसे ही क्या होगा आप ए की सेल पंच करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ए का एम पिक करेगा सी की सेल पंच करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली सी का एम पंच करेगा और उसे पिक करेगा मतलब सिस्टम डिसीजंस ले रहा है कि कितना एमआरपी चार्ज करना है अब एक कंपनी फॉर एग्जाम्पल कोई शू मैन्युफेक्चरिंग कंपनी ले लो उसके टेन थाउजेंड प्रोडक्ट है अब जो सेल्स मैन है उसको याद तो रहेगा नहीं की कौन सा किसका प्रोडक्ट है तो वो सिस्टम से देखता है कि किसका प्रोडक्ट है और जैसे ही वो सेल पंच करेगा कौन सा एमआरपी चार्ज करना है कितना जीएसटी का टैक्स रेट चार्ज करना है वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली डला हुआ है सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके डिसीजन लेता है की कि हाँ किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी का रेट है या किस प्रोडक्ट पे कितना एम आर पी चार्ज करना है तो एक ऐसा एनवायरमेंट जहाँ पे सिस्टम डिसीजन ले रहा है सिस्टम अकाउंटिंग कर रहा है सिस्टम ऑपरेशंस को देख रहा है सिस्टम प्रोसेसेस को देख रहा है वो हो गया बच्चों एक ऑटोमेटेड एनवायरमेंट ठीक है बच्चों इसके अलावा हम कुछ डिसीजन बाय आईटी सिस्टम के एग्जांपल और दे सकते हैं देख सकते हैं जैसे डेप्रीसिएशन की एंट्री फिक्स रजिस्टर डला हुआ है सिस्टम क्या करता है खुद ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर, करता है कितना डेप्रिशिएशन चार्ज करना है और उसकी एंट्री पोस्ट कर देता है इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है डेप्रिशिएशन की एंट्री भी खुद सिस्टम डालने लग रहा है बैंक इंटरेस्ट की एंट्री भी खुद सिस्टम डालने लग रहा है सेल्स की ऑटो एंट्री भी खुद सिस्टम डालने लग रहा है ऑटो एंट्री मीस जैसे एक इन्वेंटि डिस्पैच हुई सेल्स की एंट्री डली और साथ साथ इन्वेंट्री कम हो गई तो दिस इज आर आर द द डिसीजन टेकन बाय सिस्टम तो एक ऐसा एनवायरमेंट जहां पर सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां सिस्टम ऑपरेशन को डिफाइन करता है अकाउंटिंग को डिफाइन करता है डिसीजन को डिफाइन करता, करता है इन सबको लेने में हेल्प करता है उसे एक ऑटोमेटेड एनवायरमेंट कहा जाता है ठीक है बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप और सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो जैसे

प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आया या इन्वाइसेस की लिस्टिंग निकल के आई हम चेक करते हैं कि हाँ उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ प्रॉब्लम है करेक्शन करनी है तो हम उसको करेक्ट कर देते हैं तो हमने किसकी हेल्प से किया सिस्टम से वो रिपोर्ट ली और उसके बाद उसे ठीक किया ठीक है तो दिस इज ऑल्सो एन एक्साम्पल ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरमेंट जहां पे प्राइमरली यूज किसका होता है बच्चों कंप्यूटर का होता है कंप्यूटर सिस्टम का होता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम का होता है ठीक है हाँ जी बच्चों बच्चों अभी तक हम लोगों ने समझा था कि एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है अब हम समझेंगे की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के की फीचर्स क्या है तो बच्चों पहला पॉइंट है इनेबल्स फास्टर बिजनेस ऑपरेशन बिकॉज ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरमेंट आपके सारे के सारे सिस्टम मेजोरिटी ऑफ द सिस्टम जो एक दूसरे से रिलेटेड है वो लिंक हो जाते हैं और एक के अंदर जैसे एंट्री आप पंच करते हैं जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि जैसे ही आप सेल्स की एंट्री पंच करेंगे इनवेंट्री में ऑटोमेटिकली एंट्री पंच हो जाती है आपको अलग से कहीं भी पंच करने की जरूरत नहीं पड़ती मीन्स आपके ऑपरेशन थोड़े से फास्ट फॉरवर्ड हो गए जल्दी होने लग गए इसके अलावा एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं सेल्स ऑर्डर जैसे

डायरेक्ट मार्केटिंग के पास चला गया पहले क्या होता था एक पर्सन जाता था शॉप के ऊपर ऑर्डर लेकर आता था पूरे दिन वो ऑर्डर लेता था शाम को आके बताता था कि हाँ जी ये ऑर्डर्स हैं, फिर कोई कंपनी का पर्सन बैठ के उसे कंपाइल करता था और अगले दिन मार्केटिंग को पता लगता था कि हाँ जी इतना हमें सेल्स करनी है फिर वो आगे सेल करती थी बट बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिव एनवायरमेंट क्या हुआ आपका बिजनेस ऑपरेशन और फास्ट हो गए प्रोसेसिंग उसकी और फास्ट हो गई कैसे जैसे ही उसने एक जगह कस्टमर ने ऑर्डर पंच किया ऑटोमेटिकली मार्केटिंग की टीम के डैशबोर्ड पे या उन्हें सिस्टम पे रिफ्लेक्ट हो गया कि ये सेल्स करनी है और वो आगे वर्क कर सकेंगे अब बच्चों आप यहाँ पे एक चीज पूछ सकते हैं कि सर कस्टमर ने कैसे ऑर्डर पंच किया कंपनी के सिस्टम पे तो बच्चों इसका छोटा सा एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो जैसे एमेजोन है फ्लिपकार्ट है आप क्या करते हैं आप ऐप पे जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं वो ऑर्डर क्या होता है ऑटोमेटिकली कंपनी पे चला जाता है करेक्ट तो हुआ क्या आपने जैसे ही ऐप पे ऑर्डर पंच किया वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उनका सिस्टम जो है इंटरफेस होता है लिंक्ड होता है कंपनी का वहां पे डिस्प्ले हो जाता है कि हाँ जी आपको ये चीज परचेज करनी है कि कस्टमर ने ये रिक्वायरमेंट डाली है तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में सब कुछ लिंक है कस्टमर से लेके एंड डिलीवरी तक सब लिंक हो जाता है ठीक है बच्चों बाकी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कुछ कंपनीज में ज्यादा लिंकिंग होती है कुछ कंपनीज कम चीजों को लिंक करके चलती सेकंड पॉइंट है बच्चों एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग एंड कॉम्पिटेशन अब एक चीज बताइए एक कॉम्पिटेशन एक कैलकुलेशन एक ह्यूमन करे और एक कंप्यूटर करे किसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी सर ऑन एनी डे कंप्यूटर में ज्यादा होगी क्यों क्योंकि ह्यूमन एरर कर सकता है लेट से आप लोग कभी एग्जाम में टोटल लगाते होंगे बैलेंस शीट टोटल करते होंगे तो टोटल आपको एक या दो बार कम से कम चेक करना पड़ता है कि हां जी वो टोटल ठीक आया है या नहीं नहीं आया आपने ठीक से टोटल किया है या नहीं किया है बट कंप्यूटर के केस में बच्चों ऐसा नहीं होता कंप्यूटर जो आपको टोटल कंपटीशन करके देता है वो बेटर होती है ह्यूमंस के कंपैरिजन में उसमें एक्यूरेसी काफी ज्यादा होती है फॉर एग्जांपल बच्चों डेप्रिशिएशन है अगर डेप्रिशिएशन सिस्टम ऑटो कैलकुलेट कर रहा है तो वो जो उसकी कॉम्पिटिशन होगी वो बेटर होगी एज अगेंस्ट जो आप कैलकुलेटर पे या एक्सेल पे कैलकुलेट कर रहे हो कंप्यूटर बेस्ड कॉम्पिटिशन आर ऑलवेज बेटर कॉम्पिटिशन ह्यूमन एरर नहीं होंगी जैसे पॉइंट गया, लेस ह्यूमन एरर ह्यूमन सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं, कंपटीशन में कहीं गड़बड़ भी कर सकते हैं तो वो चीजें कंप्यूटर के साथ नहीं होती एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा पॉइंट क्या है बच्चों? लार्ज वॉल्यूम को आप प्रोसेस कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए जैसे फ्लिपकार्ट है, Amazon है फ्लिपकार्ट और Amazon पे डेली एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती है पर्सन फ्रॉम अराउंड करते हैं अब उतने वॉल्यूम को संभालना क्या टैली से हो जाएगा क्या एक्सेल पे आप उसे मैनेज कर सकते हैं नहीं उसके लिए आपको क्या चाहिए ऑटोमेटेड एनवाइ चाहिए अगर आपको लार्ज एंट्रीज को प्रोसेस करना है लार्ज डेटा को प्रोसेस करना है तो आपको ऑटोमेटेड एनवाइ चाहिएगा आप मेनुअली एक्सेल में बैठ के काम नहीं कर सकते रजिस्टर पे बैठ के अगर आप लिख के टोटल करना चाहेंगे ऑर्डर को कंट्रोल करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते ठीक है बच्चों पॉइंट नंबर फोर है बच्चों इंटीग्रेशन बिटवीन बिजनेस ऑपरेशन हम लोगों ने ऑटोमेटेड एनवायरमेंट की डेफिनेशन में समझा था कि इट इज अ इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म किसका था जो इंटरलिंक बिजनेस ऑपरेशन होते हैं उसके लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पे वो उन सारे इंटरलिंक्ट ऑपरेशन को लिंक कर देता है एग्जाम्पल सेल्स और इन्वेंट्री को लिंक कर देता है परचेज और इन्वेंट्री को लिंक कर देता है जैसे सेल्स होंगी तो इन्वेंट्री कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली परचेज जैसे ही होगी तो इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटेड एनवायरमेंट ने क्या किया उससे बिजनेस ऑपरेशन को इंटीग्रेट कर दिया लिंक कर दिया एग्जाम्पल सेल्स इन्वेंट्री लिंक कर दी सेल्स हुई इन्वेंट्री कम हो गई ठीक है बच्चों तो ऑटोमेटेड से अभी तक आपने चार फीचर समझे पहला इसे बिजनेस ऑपरेशन काफी फास्ट हो जाते हैं सेकंड इसे डेटा

दूसरा पर्सन आके हमारे मोबाइल फोन को एक्सेस ना कर सके अगर मोबाइल फोन में वो पासवर्ड का फीचर ना हो तो क्या होगा कोई भी पर्सन आके आपकी पिक्स मैसेजेस रीड कर सकेगा पिक्स देख सकेगा करेक्ट सिमिलरली बच्चों कंप्यूटर में ऑटोमेटेड एनवायरमेंट में पासवर्ड सिस्टम होता है लॉजिक्स बिल्ट होते हैं उसके अंदर जिसमें कि जिस यूजर को जो राइट right है वो उतना ही देख सकता है और कुछ रिपोर्ट्स नहीं देख सकता इस वजह से क्या हुआ एक बेटर सिक्योरिटी और कंट्रोल बिल्ट हो गया कंट्रोल कैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज से ऑफ़ कैसे हो गया बच्चों का पर्सन सिर्फ परचेज देखेगा का कर कि किसको कितना काम करना है किसको कितने डेटा का रहेगा। तो आपने एक अच्छा कंट्रोल बिल्ड कर दिया अगर आप सिक्योरिटी की बात करेंगे तो आप यूजर आई और पासवर्ड्स डालने से आपने क्या किया एक बेटर सिक्योरिटी बिल्ड कर दी ताकि कोई अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके आप लोगों ने बायोमेट्रिक वेरिफाइड सुनी होगी वेरिफिकेशन भी क्या होती है बच्चों सेम है बेटर सिक्योरिटी होती है थम इम्प्रेशन हो गए आई इम्प्रेशन हो गए जो हम लोग मूवीज में भी देखते हैं कि गेट्स तभी खुलता है जब थम इम्प्रेशन दे रहे हो या आई इम्प्रेशन दे रहे हो और बायोमेट्रिक जो पंचेज़ आप करते हो अपने अटेंडेंस के लिए जैसे कंपनीज क्या करती है अटेंडेंस जो एम्प्लॉइज को अपनी डालनी होती है तो वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर देती है ताकि जैसे ही वो अपना थम पंच करेंगे तभी उनकी अटेंडेंस मार्क होगी इससे क्या हुआ एक पर्सन अगर फिजिकली नहीं आया है तो वो अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं कर सकता तो इस तरीके से कंपनी ने बेटर कंट्रोल बिल्ड कर दिए कंपनी ने अच्छे कंट्रोल लगा दिए और सिक्योरिटी कैसे लगा दी यूजर आईडीज और पासवर्ड से सिक्स पॉइंट है बच्चों लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स हमने ऊपर भी समझा था क्या कि अगर एक कंप्यूटर जो कंपटीशन कर रहा है और एक ह्यूमन जो कंपटीशन कर रहा है किसकी कंपटीशन ज्यादा बेटर होगी सर कंप्यूटर की कंपटीशन ज्यादा बेटर होगी उसमें एरर होने के चांसेस काफी कम होंगे एज कंपेयर टू ह्यूमन कंपटीशन तो ह्यूमन एरर्स कम हो जाती है नेक्स्ट बच्चों प्रोवाइड्स लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब हुआ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेटेड इंफॉर्मेशन कैसे जब बिजनेस ऑपरेशन फास्ट होंगे तो आपके पास कंटिन्यूसली अपडेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ समझा था जैसे ही सेल्स ऑर्डर पंच हुआ सिस्टम के अंदर मार्केटिंग टीम को ऑटोमेटिकली पता लग गया कि हाँ सेल्स टीम को पता लग गया कि हमें ये सेल करनी है मार्केटिंग और सेल टीम उसको आगे प्रोसेस कर लेगी बट अगर ये ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं होता तो क्या मार्केटिंग या सेल्स टीम को ऑटोमेटेड ऑटोमेटिकली uh, पता लगता उन्हें अपडेटेड यान मिलती नहीं सर वो तो तभी मिलती जब आप सारा डेटा कंपाइल कर लेते फिर उसकी रिपोर्ट्स बनाते कि हाँ जी हमें इतनी सेल करनी है तो हुआ क्या बच्चों ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट से कंपनी के पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है क्यों क्योंकि ऑटोमेटिकली सारी एंट्रीज पंच होती है सारे ऑपरेशन जो इंटरलिंक्ड है वो इंटीग्रेट हो जाते हैं इस वजह से आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है नेक्स्ट चीज बच्चों लास्ट पॉइंट इज कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी बिकॉज ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरमेंट कनेक्टिविटी बढ़ जाती है नेटवर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है नेटवर्किंग कैपेबिलिटी और कनेक्टिविटी का क्या मतलब होगा सर इसका मतलब होगा बच्चों अब लेट से एक कंपनी एक्स है उस कंपनी की फिफ्टीन लोकेशन है जो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड है अब सबके अपने ऑपरेशन है बट सारे लिंक है क्योंकि एक कंपनी का पार्ट है तो उन्हें लिंक कैसे किया जाएगा उनको ऑटोमेटेड एनवायरमेंट से लिंक किया जाएगा सिस्टम से लिंक किया जाएगा नेटवर्क से लिंक किया जाएगा कैसे इसकी वजह से अब आप लोगों ने कोविड है कोविड की सिचुएशन में क्या है कि हम रिमोटली काम करते हैं रिमोटली कैसे काम कर सकते हैं जब हम नेटवर्क से लिंक होंगे अपनी कंपनी से बिना नेटवर्किंग के लिंक के आप रिमोटली काम नहीं कर सकते है. एक दूसरा एग्जांपल इसी तरीके से समझते हैं लेट से ये लोकेशन एक्स है ये लोकेशन

करते हो ड्यू टू नेटवर्किंग आप मल्टीपल लोकेशन और यूनिट्स को कनेक्ट करके रख सकते हो और उनसे सारा डेटा एक्सेस कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा बैंकिंग है बच्चों अब हमारे बैंक्स कितनी सारी लोकेशंस होती है विद इन अ रेंज ऑफ फाइव टू टेन किलोमीटर हमें वन और टू बैंक मिल जाते हैं अब किसी एक पर्सन ने दूसरी स्टेट में किसी बैंक में अकाउंट खुला रखा है अब इसी एग्जांपल को और इलेबोरेट कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स से यूपी के अंदर किसी पर्सन ने अपना अकाउंट ओपन कर रखा है और करंटली वो दिल्ली के अंदर है अब अगर उसे अपने अकाउंट्स की अकाउंट की डिटेल्स चेक करनी है तो क्या उसे यूपी जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा वो अपने मोबाइल फोन से उनकी ऐप पे जाके चेक कर सकता है कि हाँ उसके अकाउंट की क्या डिटेल है ये कैसे पॉसिबल हुआ बच्चों पॉसिबल हुआ बिकॉज एक ऑटोमेटेड एनवायरमेंट बनाया है बैंक ने जिसमें सारे के सारे बैंक सारे के सारे कस्टमर्स लिंक्ड है और आप अपनी ऐप के ऊपर जाकर चेक कर सकते हो कि आपकी क्या अकाउंट की डिटेल है इसको कहा जाता है बच्चों कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी ये तभी हुई जब उन्होंने ऐप बनाई जब उन्होंने ऑनलाइन अपना सर्वर बनाया प्लस और एक ऑटोमेटेड एनवायरमेंट बनाया ताकि वो डिटेल जनरेट हो सके अगर ये ऐप नहीं होती इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा नहीं होती तो आपको फिर बैंक में ही जाना पड़ता अपनी अकाउंट की डिटेल जानने के लिए बट बिकॉज ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरमेंट नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी कैपेबिलिटी की वजह से आप कहीं भी रिमोटली बैठ के अपनी डिटेल एक्सेस कर सकते हो तो बच्चों इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं की फीचर्स क्या आए पहला फीचर आया सर फास्टर ऑपरेशंस होते हैं सेकंड क्या आया सर एक्यूरेसी होती है ऑपरेशन में थर्ड क्या आया प्रोसेस कर सकते हैं हम लार्ज वॉल्यूम्स को फोर्थ क्या आया इंटीग्रेशन मिलता है बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल है Sixth, है लेस एरर होती सेवेंथ अपडेटेड या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है एट कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी की वजह से आप कहीं से भी रिमोटली डेटा एक्सेस कर सकते हैं तो ये होते हैं बच्चों ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के फीचर्स हाँ जी बच्चों बच्चों अभी अपना टॉपिक है रेलेवेंस ऑफ आईटी इन एन ऑडिट क्या एक ऑडिट में एक ऑडिटर के लिए आईटी जरूरी है समझना क्या उसको आईटी टी एनवायरमेंट के बारे में पता होना जरूरी है या नहीं है क्या लगता है बच्चों आपको हाँ जी सर आईटी के बारे में पता होना जरूरी है क्यों क्योंकि सर ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के अंदर मेजोरिटी ऑफ द वर्क कौन करता है आईटी सिस्टम करता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम करता है सिस्टम करता है कंप्यूटर्स करते हैं करेक्ट कैसे कौन कौन से टास्क है बच्चों जो आईटी एनवायरनमेंट में एक आईटी करता है सर आईटी एनवायरनमेंट में आईटी कंप्यूटेशन करता है डेटा की प्रोसेसिंग करता है रिपोर्ट जनरेट करता है कंट्रोल सिस्टम के अंदर बिल्ट होते हैं होते हैं? जी सर तो इसी वजह से एक आईटी का एक ऑडिटर के लिए रेलेवेंस है क्यों अगर ऑडिटर को आईटी सिस्टम नहीं पता होगा तो वो चेकिंग नहीं कर सकेगा उसको नहीं पता लगेगा कि कौन सी ऑटोमेटिकली एंट्रीज पास हो रही हैं कैसे कंपटीशन हो रही है तो बिना सिस्टम का ऑडिट किए बिना सिस्टम को जाने एक ऑडिटर ऑडिट audit नहीं कर सकता बिफोर हम बच्चों इस टेक्स पे जाए हम एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं बच्चों आज की डेट में जैसे अमेजन है अमेजन का सारा बिजनेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है करेक्ट उनके बैकेंड्स भी है वो सुधर नहीं जा रहे बट मेजोरिटी जो बिजनेस टास्क होते हैं ट्रांजेक्शन होती है किसके थ्रू होती है एक ऐप के थ्रू होती है जो अमेज़न की ऐप है करेक्ट बच्चों अब एक ऑडिटर को अगर एमेजोन का ऑडिट करना है तो वो कैसे करेगा जब तक वो सिस्टम को नहीं समझेगा उनके कि उनकी ट्रांजैक्शंस कैसे प्रोसेस होती है कस्टमर कैसे पंच करता है अपने रिक्वायरमेंट को ऑर्डर को उसकी पेमेंट कैसे रूट होती है कंपनी के पास वो ऑर्डर कैसे जाता है कंपनी उस ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करती है कैसे अकाउंटिंग एंट्री करती है क्यूँकी सब कुछ तो सिस्टम बेस्ड है बच्चों तो जब तक एक ऑडिटर को आई समझ नहीं आएगा उसका सिस्टम समझ नहीं आएगा वो उसका ऑडिट नहीं कर सकता और आज की जनरेशन में जहां पे टेक्नोलॉज

आईटी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गया है इसीलिए आपके भी इवन सिलेबस में एक आईटी टी नाइम का सब्जेक्ट रखा गया है ताकि आपको भी एक आईटी की अंडरस्टैंडिंग मिल सके ठीक है तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ऑडिट में आईटी की रेलेवेंस है या नहीं है तो आप क्या कहेंगे हां जी सर आज के जनरेशन में टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है बिना आईटी के ऑडिट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा किसी बड़ी कंपनी का। सौ ट्रांजेक्शन है, है, है वहां पे आईटी विल नॉट है रिलायंस जैसी कंपनी है क्या बिना आई टी समझे उसका ऑडिट कर पाएंगे नहीं तो करंट सिचुएशन में ऑडिटर के लिए ऑडिट के लिए आई की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है और आई बहुत रेलिवेंट हो जाता है क्यों हो जाता है बच्चों क्योंकि बच्चों आज की डेट में कॉम्पिटिशन एंड कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो रही है जैसे सर डेप्रिशिएशन इंटरेस्ट की कॉम्पिटिशन इवन प्रोविजन की जो कॉम्पिटिशन होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री प्रोविजन फॉर ऑब्सलेन्स ऑफ इन्वेंट्री वो भी ऑटोमेटिक हो रही है जैसे कंपनी ने क्या कहा कि अगर मेरा डेटर 180 डेज से ज्यादा है तो आप पूरा प्रोवाइड कर दो 90 डेज से ज्यादा है 180 डेज तक, तो आप फिफ्टी परसेंट प्रोवाइड कर दीजिए अब ये चीज सिस्टम में फीड है जब सिस्टम में वो डेटा कमांड ऑलरेडी डली हुई है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोविजन कॉम्प्यूट कर देगा और एंट्री पास कर देगा तो आज की डेट में कॉम्पिटेशन एंड कैलकुलेशन क्या हो गई बच्चों ऑटोमेटिक हो गई तो जब तक ऑडिटर को नहीं पता होगा कि कैसे ऑटोमेट हो रही है क्या कमांड्स हैं तो ऑडिटर ऑडिट आटेट नहीं कर पाएगा एंट्रीज ऑटोमेटिकली पास होने लग गई जैसे डेप्रिशिएशन और इंटरेस्ट की पहले तो अमाउंट कंप्यूट हुई उसके बाद उसकी एंट्री भी ऑटोमेटिकली पास हो गई फॉर एग्जाम्पल बैंक में जब हम अपना अकाउंट खुलाते हैं ओपन कराते हैं तो मंथली बेसिस पे हमें इंटरेस्ट क्रेडिट होता है सेविंग्स अकाउंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट पर तो जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है आपको क्या लगता है वो बैंक एक एक क्या हो गई बच्चों ऑटोमेटिकली पास हो गई तो जब तक ऑडिटर को नहीं पता ऑडिटर ऑडिट audit नहीं कर सकता इसीलिए आई का रेलिमेंस बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो चुका है थर्ड है बच्चों अप्रूवल्स आज की डेट में सिस्टम में ही अप्रूवल्स बिल्ट होते हैं कि कौन एंट्री पंच करेगा कौन उसे अप्रूव करेगा वो सिस्टम में ही

प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आज के डेट में किससे जनरेट हो रहा है सिस्टम से आप अलग अलग तरीके की रिपोर्ट सिस्टम से निकाल सकते हो जैसे आपका मंथली सेल्स कितनी हो रही है आपकी वीकली सेल्स कितनी हो रही है आपके किसी एक्स कस्टमर को आपने कितनी सेल करी है तो ये सारी रिपोर्ट्स आप रेडीली सिस्टम से निकाल सकते हो किसी एक्स प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है वाई प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है एक्स प्रोडक्ट की एक्स स्टेट में कितनी सेल हुई है तो आप मल्टीपल मल्टीपल तरीके से रिपोर्ट निकाल सकते हो एनालिसिस के लिए समझने के लिए नेक्स्ट है बच्चे यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी हमने पहले भी समझा है कि पासवर्ड एंड लॉक इन आई से हमने सिक्योरिटी इंप्रूव कर दी एक्सेस को कंट्रोल कर लिया कैसे कि अनऑथोराइज पर्सन को सिस्टम का एक्सेस नहीं होगा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर दी हमने कैसे करी जैसे परचेज का पर्सन सिर्फ परचेज की एंट्रीज देखेगा सेल्स का पर्सन सिर्फ सेल्स की एंट्रीज देखेगा तो आपने कंट्रोल्स किस में लगा दिए आपने कंट्रोल सिस्टम में लगा दिए ऑटोमेटिक कर दिए मैनुअल नहीं छोड़े आईटी के अंदर लगा दिए तो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स क्योंकि हमारी ऑटोमेटिक हो गई है कॉम्पिटेशन कैलकुलेशन एंट्रीज अप्रूवल्स रिपोर्ट्स यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी पासवर्ड एंड लॉग इन आर इन सिस्टम तो एक आई ऑडिट के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है आज की डेट में ठीक है बच्चों चलिए रीड करते हैं रेलिवेंस ऑफ आई टी इन एन ऑडिट कॉम्पिटेशन एंड कैलकुलेशन आर ऑटोमेटिकली कैरीड आउट सिस्टम ऑटोमेटिकली कॉम्पिटेशन करता है कैलकुलेशन करता है एग्जाम्पल इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या हो गया बच्चों आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट सुनी होगी कि हाँ जी स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यूएशन होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू ए एस टू इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग आप फिनिश गुड्स को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू कर सकते हो अब हुआ क्या सिस्टम के अंदर लेट्स से तीन प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट एक्स वाई जेड सिस्टम में स्टैंडर्ड कॉस्ट फीडेड है ट्वेंटी टेन थर्टी तो सिस्टम क्या करेगा अगर इसकी टेन यूनिट है इसकी फाइव यूनिट है इसकी फोर यूनिट है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर देगा और आपको इन्वेंट्री बता देगा कि आपके पास इन्वेंट्री कितने की है थ्री सेवेंटी हमने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ तीन प्रोडक्ट लिए बट लेट से यहाँ पे टेन थाउजेंड प्रोडक्ट होते हैं तो होता क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम में फीडेड है उसके बेसिस पे सिस्टम ऑटोमेटिकली कंप्यूट करेगा कि आपकी इन्वेंट्री कितनी है और इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर देगा और आपको डिस्क्लोज कर देगा कि आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है अब एक बार कॉम्पिटिशन करेगा तो उसके बाद उसकी एंट्रीज भी ऑटोमेटिकली पास कर देता है अकाउंटिंग एंट्रीज आर पोस्टेड ऑटोमेटिकली ठीक है अब इसका एग्जाम्पल हमने एक बैंक इंटरेस्ट समझा एक दो तो एग्जाम्पल्स और ले सकते हैं बच्चों एक होता है सब सबलेजर और एक होता है जनरल लेजर जीएल जनरल लेजर होते हैं जैसे आपने कहा आपके चार कस्टमर है ए बी सी इनका बैलेंस इनको आपने सेल करी टेन रूपीज ट्वेंटी रूपीज थर्टी रूपीज फोर्टी सेल्स करते हो तो सेल्स के एंट्री सिस्टम में क्या जाती होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स करेक्ट डेटर क्या है ए बी सी डी तो ये जो ए बी सी डी है बच्चों इसे कहा जाता है सबसे डी इन चारों को मिला के फोर्टी थर्टी सेवेंटी नाइन्टी हंड्रेड मिलाकर आपका क्या बनता है बच्चों ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल रिसीवेबल ये trade receivable आपको ट्रायल बैलेंस में विजिबल होता है बच्चों इसको कहा जाता है बच्चों जनरल लेजर सिस्टम क्या करता है आप एंट्रीज डालते हो सब लेजर के अंदर सिस्टम ऑटोमेटिकली सब लेजर को किस में ट्रांसफर करता है जनरल लेजर में ट्रेड रिसीवेबल में और ट्रायल बैलेंस में डिस्कलोज करता है क्या?

हो जाएगी ये काम बच्चों सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है इसको आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं होती थर्ड पॉइंट है बच्चों बिजनेस पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली हमने कहा था जनरल एंट्री का अप्रूवल कौन प्रिपेयर करेगा कौन अप्रूव करेगा कंपनी की पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या है कंपनी ने पॉलिसी बना दी कि एक्स लेवल का पर्सन जर्नल एंट्री डालेगा और वाई लेवल का पर्सन जनरल एंट्री अप्रूव करेगा दिस इज ऑल्सो इंटरनल कंट्रोल तो ये जो पॉलिसी है कंपनी ने सिस्टम में डाल दी सिस्टम में जैसे ही डालोगे तो वही रेलिवेंट पर्सन उसे एंट्री को पास कर सकता है और दूसरा उसे अप्रूव कर सकता है इससे क्या हुआ सिस्टम बेस्ड कंट्रोल आ गया बच्चों फॉर एक्जाम्पल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर जनरल अप्रूवल कस्टमर क्रेडिट लिमिट आर परफॉर्म

हमने एग्जाम्पल समझा था जैसे ट्रायल बैलेंस हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया बैलेंस शीट हो गया इसके अलावा वेरियस रिपोर्ट्स जैसे सेल्स कहा किस प्रोडक्ट की कितनी हो रही है एक एक्स एक्स प्रोडक्ट की स्टेट में कितनी सेल्स हो रही है ये सारी रिपोर्ट्स किससे जनरेट होती है बच्चों सिस्टम से होती है ताकि मैनेजमेंट प्रॉपरली एनालिसिस कर सके अब मैनेजमेंट ने कहा लेट से हम वो प्रोडक्ट देखते हैं जिनकी लास्ट दो साल में कोई भी सेल नहीं हुई है वो रिपोर्ट भी सिस्टम से मिल जाएगी उससे मैनेजमेंट को क्या पता लगेगा कि जी ये हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है हमें इसे डिसकंटिन्यू कर

सिस्टम से निकलती है क्रेडिटर की एजिंग सिस्टम से निकल सकती है सेल्स की रिपोर्ट से जिसके बेसिस पे चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा एक्सेल में या मैनुअल तो मेंटेन नहीं है वो भी किससे मिलेगा बच्चों सर वो भी हमें आई से मिलेगा इसीलिए आई का रेलिवेंस बहुत ज्यादा है लास्ट पॉइंट बच्चों यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी आर कंट्रोल्ड बाय असाइनिंग सिस्टम रोल्स टू यूजर सिस्टम रोल्स का मतलब हो गया बच्चों किसके पास कितना राइट है काम करने का जैसे सेल्स के पर्सन के पास सिर्फ सेल्स के राइट है परचेज के पर्सन के पास सिर्फ परचेज के राइट है सिस्टम रोल्स मतलब आपका रोल क्या है सिस्टम मार्केटिंग का है परचेज का है सेल का है फिक्स असेट का है कैश का है बैंक का है क्या आपका रोल है तो आपके पास सिर्फ उतने राइट्स अवेलेबल होते हैं तो सिस्टम में क्या हुआ यूजर एक्सेस और सिक्योरिटी कैसे कंट्रोल करी सिस्टम रोल्स यूजर को असाइन करके सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करके हर एक को उसका काम बताकर कि आपको कितना काम करना है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स इफेक्ट इससे क्या हुआ सिस्टम बेस कंट्रोल बन गया बच्चों तो एक ऑडिटर को जिसको आईएफसी चेक करना है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल चेक करने हैं पीओसी करना है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना है तो उसके लिए आईटी सिस्टम की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो गई क्यों क्योंकि यूजर एक्सेस और सिक्योरिटी कंट्रोल लॉग इन पासवर्ड कंट्रोल डेलीगेशन के कंट्रोल किसमें है बच्चों सिस्टम में तो चलो बच्चों अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हम ये बोलेंगे कि आईटी आईटी में आई का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है ऑडिट के लिए क्यों क्योंकि सर ऑटोमेटिक कंपटीशन एंड कैलकुलेशन है ऑटोमेटिक एंट्रीज पास होती है ऑटोमेटिक अप्रूवल्स है इसके अलावा रिपोर्ट सिस्टम से सारी जनरेट होती है जिसमें मैनेजमेंट रिलाई करता है इवन ऑडिटर रिलाई करता है यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी कंट्रोल कहाँ पर है सर सिस्टम के अंदर है ठीक है बच्चों हां जी बच्चों बच्चों अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि आईटी ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है अब कुछ सिचुएशन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जहाँ पे जो चीज हम बोल रहे हैं वो डिमोस्ट्रेट होती है कि हाँ आईटी टी ऑडिटर के लिए रेलेवेंट गिवन बिलो आर सम सिचुएशन इन ऑडिट आईटी विल बी रेलिवेंट टू ऑडिट जहा पे आईटी टी रेलिवेंट है कहां पर पहला एग्जाम्पल हमने लिया इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन बिजनेस बिजनेस में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम का यूज बढ़ गया है जिस वजह से आई का रेलवेंस आ गया क्योंकि अब सब सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हैज है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है कैसे अब मल्टीपल लोकेशन पे आप काम कर सकते हैं एक वर्ल्ड वाइड आप काम कर सकते हैं और सारी चीजें लिंक हो सकती किससे सिस्टम से आईटी से मल्टीपल सिस्टम नेटवर्क ऑफ सिस्टम मल्टीपल सिस्टम लिंक्ड है आज की डेट में तो आपके लिए आईटी बहुत रेलिवेंट हो गया है हाईटेक नेचर ऑफ ऑफिसर्स हाईटेक नेचर जिसमें हाई टेक्नोलॉजी यूज होती है कैसा ई e कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट एमेज टेलीकॉम वोडाफोन एयरटेल आइडिया हर जगह पे हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज है हाईटेक सिस्टम यूज है तो वहाँ पे आपको आईटी बहुत रेलेवेंट है फोर्थ पॉइंट है बच्चों वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन आर वेरी हाई आज की डेट में वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है जैसे इंश्योरेंस में बैंकिंग में रेलवे में तो जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है वहाँ पे आई का रोल बहुत ज्यादा है क्यों क्योंकि आप मैनुअली इतना सारा काम नहीं कर सकते इंश्योरेंस है बैंकिंग है रेलवेज है इनको अपने सिस्टम अच्छे करने पड़े ताकि वो सब कुछ सिस्टम बेस कर सके आज की डेट में आप सारी टिकट वगैरह ऑनलाइन बुक कर सकते हैं आपके पी एनआर कोड सारे ऑनलाइन जनरेट होते हैं बैंकिंग में आप इंटरनेट बैंकिंग आप एफटी ओपन करा सकते हैं ऑनलाइन आप एफटी बंद करा सकते हैं आप लोन ले सकते हैं ऑनलाइन इवन तो, तो यहाँ पर आईटी की रेलेवेंस बहुत ज्यादा कंपनी पॉलिसी कम्पलायसेस हम लोगों ने एग्जाम्पल समझा था यूजर एक्सेस का सिक्योरिटी का डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का वो कंपनी की पॉलिसी है जो सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है इसीलिए आईटी ऑडिट के लिए बहुत रेलिवेंट है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से भी रेलिवेंट है क्यों क्योंकि आपको कंपनी की टेस्टिंग करनी होती है आई एक्ट आपको चेक करना होता है की कंपनी ने कोई भी गलत काम तो नहीं किया आई टी के अंदर कोई लॉ तो ऐसा नहीं है जिसको फॉलो ना किया गया हो जिसका कंप्लायंस ना किया गया हो तो आपको रेगुलेटरी एनवायरमेंट के पर्पज से भी इसको चेक करना है एंड लास्ट इन इंक्रीजेस एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट ये ऑडिट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंक्रीज करता है सर ये ऑडिट की एफिशिएंसी कैसे करेगा? हमने कहा बच्चों नहीं क्या आप सैंपलिंग करके फिफ्टी सैंपल चेक करके वन करोड़ के ऊपर कंफर्ट ले पाओगे इनवाइसेज के ऊपर नहीं सर उतना स्ट्रॉन्ग कंफर्ट नहीं आएगा तो बच्चों उस केस में आपको आई सिस्टम चेक करना होगा आई सिस्टम कैसे हमने कहा रेट सिस्टम ड्रिवन है टैक्स रेट सिस्टम ड्रिवन है इन वॉयस जनरेट तभी होगा जब उसका सेल्स ऑर्डर होगा इन अप्रूव जब तक मार्केटिंग का मैनेजर नहीं करेगा तब तक इन नहीं बन सकता अब अगर ये कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं तो आपको एक कंफर्ट आ जाएगा कि हाँ जी रेट ठीक है आप सिस्टम में जो रेट डला हुआ है वो देख लो तो जैसे आप वो देखोगे आपको कंफर्ट आ गया कि हाँ रेट सारे ठीक आ रहे हैं टैक्स रेट ठीक आ रहा है इन्वॉइस तभी बन रहे हैं जब सेल्स ऑर्डर है मतलब कोई फिक्टिशियस सेल इतनी नहीं होगी मार्केटिंग मैनेजर अप्रूव कर रहा है मीन्स सेल्स हैज हैजिन प्रॉपरली अप्रूव और उसके बाद उसकी ऑटोमेटिक एंट्री पास होती है सब लेजर के अंदर उसके बाद वो जनरल लेक्चर में जाती है तो अगर आपने आईटी सिस्टम चेक कर लिया तो आपको एक कंफर्ट आ गया कि हाँ जी चीजें ठीक है आपके ऑडिट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी क्वालिटी बढ़ जाएगी टाइम कम लगेगा ठीक है बच्चों तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई टी इज हैविंग अ मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट रोल इन ऑडिट ठीक है बच्चो, तो बच्चो? हाँ जी बच्चो बच्चों अभी तक हम लोगों ने समझा था की आई टी ऑडिट आई टी

अर्थक्वेक आ गया बैकअप नहीं थे तो देर कैन बी मल्टीपल थिंग्स जिसकी वजह से रिस्क हो सकता है एक ऑडिट में और एक ऑडिटर को उन सबको ध्यान में रखना चाहिए तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आईटी ऑडिट में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं क्या क्या एक ऑडिटर को ध्यान में रखना चाहिए चलिए अब उन पॉइंट पे डिस्कस करते हैं और उसका आंसर क्या होगा वो देखिए गिवन बिलो आर सम रिस्क सम्कट शुड बी कंसिडर्ड इन्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इन इनक्यूरेट डेटा और बोथ मीन्स या तो आपने डेटा ही गलत प्रोसेस किया या आपने गलत डेटा को प्रोसेस किया कहने का मतलब ये हुआ प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग ऑफ ऑफ डेटा डेटा का मतलब हमने एक एग्जांपल लिया था कि डेप्रीसिएशन सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है और डेप्रीसिएशन में आपने रेट अपडेट कर रखे होंगे कि कितने रेट पर डेप्रीसिएशन लगाना है अगर ये रेट गलत है तो अगर रेट गलत है तो सर डेप्रीसिएशन गलत निकलेगा करेक्ट सिमिलरली अगर मैंने एसेट की जो डिटेल है जैसे जब मैंने परचेज किया फिक्स एसेट तो मैंने उसकी गलत एंट्री डाल दी मीन्स डेटा ही गलत डाला है तो क्या रिजल्ट ठीक आएगा नहीं सर मीन्स अगर आपने इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेस किया है या इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग करी है डेटा की दोनों केसेस में आपके रिजल्ट ठीक नहीं होंगे सेकंड पॉइंट बच्चों अनऑथराइज एक्सेस ऑफ डेटा अब यूजर आईडी और पासवर्ड है अब एक एम्प्लॉई लेट से अब दूसरे एम्प्लॉय से अपना यूजर आई डी पासवर्ड शेयर कर ले तो वो उसका लॉग इन करके चेक कर सकता है हाँ जी सर बिल्कुल कर सकता है तो आपका अनऑथोराइज एक्सेस हो गया डेटा कि जिस पर्सन को डेटा चेक नहीं करना चाहिए था वो उस डेटा को चेक कर रहा है तो एक रिस्क आ गया कि हाँ कोई गलत पर्सन डेटा चेक कर ले उसकी वजह से कोई फ्रॉड ना हो जाए ठीक है थर्ड चीज डायरेक्ट डेटा चेंज डायरेक्ट डेटा चेंज होता है बच्चों जो डायरेक्टली डेटा बेस में चेंज किया जाता है बैकेंड पे चेंज किया जाता है पे चेंज करने से क्या होता है बच्चों सारा डेटा चेंज हो जाता है उसके अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह है वो सब चेंज हो जाती है इसके बारे में इसका मीनिंग आप आगे जाके पढ़ेंगे आगे टर्म्स में जब हम समझाएंगे वहां अभी मैं हम छोटा सा एक एक्साम्पल ले लेते हैं बस मोबाइल है मोबाइल में ना एक फैक्ट्री सेटिंग का ऑप्शन फैक्ट्री रीसेट कर अगर आपने पूरे मोबाइल को रीसेट कर दिया तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा सिमिलरली अगर सिस्टम में जाके आपने बैकएंड में डेटा में मास्टर डेटा में उसमें कोई चेंज कर दिया से जीएसटी का रेट चेंज कर दिया तो जितने भी इन्वॉइस रेस करोगे सब पे रेट कर लाता है, Correct. तो ये रिस्क है। हो, होगा नहीं होगा डेट्स अ डिफरेंट थिंग बट रिस्क तो है कोई पर्सन जाके चेंज कर सकता है एक्सेसिव एक्सेस और प्रिवलेज एक्सेस सुपर यूजर्स इसका मीनिंग भी बच्चों हम जाके बाद में पढ़ेंगे अभी सिर्फ आप ये समझो कि हाँ जैसे सेल्स वाला पर्सन है उसको सिर्फ सेल्स के राइट होने चाहिए

पास कर दे सिमिलरली प्रिविलेज एक्सेस होता है कि किसी पर्सन को बहुत ज्यादा राइट्स दे देना कि हाँ आप कोई भी एंट्री पास कर सकते हो आप कुछ भी चीज व्यू कर सकते हो एडिट कर सकते हो वैसे प्रिविलेज यूजर्स का मतलब हो गया जिनके पास सारे राइट होते हैं सुपर यूजर्स कहा जाता है उन्हें हम इसके बारे में आगे डिटेल में समझेंगे अभी सिर्फ ये समझ जाए एक्सेस राइट्स होने से प्रिवलिज राइट्स होने से किसी पर्सन के पास चांसेस हैं कि वो सिस्टम में गलत काम कर सकता है इसी का दूसरा इम्पेक्ट अगर दूसरे वर्ड्स में बोले तो लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी अगर आपने सब में प्रॉपरली सही से काम नहीं बांटा है तो दे विल बी इन अ पोजिशन टू ओवर रूल द सिस्टम एंड पास फिक्टिशियस एंट्रीज इन योर बुक्स कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने कहा अगर एक पर्सन को आपने सेल्स और परचेज दोनों के राइट्स दे दिए तो वो गलत एंट्रीज पास करके अकाउंट्स को फर्ज कर सकता है तो अगर आपका ऑफ ड्यूटी प्रॉपर नहीं है तो रिस्क है अनऑथोराइज चेंजेस सिस्टम और प्रोग्राम्स किसी पर्सन ने सिस्टम में चेंज कर दिया एप्लीकेशन में चेंज कर दिया प्रोग्राम्स में चेंज कर दिया जिसके पास उसका राइट right नहीं था अगर ऑथराइज चेंजेस है मीन्स प्रॉपरली अप्रूव चेंजेस होते हैं बिजनेस के लिए चेंजेस होते हैं बट किसी अनऑथराइज पर्सन ने चेंज कर दिया जीएसटी का रेट चेंज कर दिया टैक्स रेट चेंज हो जाएगा एमआरपी चेंज कर दिया तो सेल इन्वाइस कलर जनरेट होंगे नेक्स्ट पॉइंट फेलियर टू मेक चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम अगर आप सिस्टम में चेंज ही नहीं करते हो हमें पता है पहले सेल्स टैक्स वैट था उससे जीएसटी आ गया अगर आपने सिस्टम में चेंज नहीं किया एक्साइज

आपने बैकअप नहीं ले रखा और आपका सिस्टम क्रैश हो गया क्या हो गया आपका डेटा खराब हो गया करेक्ट आपने क्या किया आपने सिस्टम को कनेक्ट कर रखा है पावर से बट आपने पावर बैकअप नहीं ले रखा इंस्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी चली गई पावर गई आपने जो भी काम किया सारा गायब हो जाता है बच्चों जी तो ये रिस्क है जो अराइज होते हैं बिकॉज आई की वजह से क्या इनक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा या प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा अनऑथोराइज एक्सेस किसी को अनऑथोराइज एक्सेस दे दिया जाए या एक्सेसिव एक्सेस दे दिया जाए या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ना हो इसके अलावा कोई डायरेक्टली डेटा में चेंज कर दे या कोई अनऑथोराइज चेंज कर दे या फिर हम फेलियर टू मेक चेंजेस हम चेंज ही ना करें तो यह भी रिस्क है एंड लास्ट इज बच्चो लॉस ऑफ डेटा हां जी बच्चों बच्चों अभी अपना टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरमेंट एक ऑडिटर को ऑटोमेटेड एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें अंडरस्टैंड करनी होती है और उसको कैसे डॉक्यूमेंट करना होता है क्या चीज़? पहली चीज कि जैसे हम लोगों ने इनिशियल चैप्टर्स में भी समझाया है कि एक ऑडिटर को क्लाइंट का बिजनेस समझना होता है सिमिलरली एक ऑडिटर को ऑडिट के लिए क्लाइंट का आई टी एनवायरमेंट भी समझना पड़ता है तभी वो उसका ऑडिट कर सकता है प्रॉपरली तो पहली चीज है कि अंडरस्टैंड करना है दूसरा डॉक्यूमेंटेशन करना है ऑडिट में बच्चों डॉक्यूमेंटेशन का बहुत सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस होती है उसका सिग्निफिकेंस बहुत हाई होता है अगर आपने कोई चीज डॉक्यूमेंट नहीं करी है मींस आप उसे सब्सेंशिएट नहीं कर सकते कि आपने वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया है तो जो भी चीज आप ऑडिट करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं क्रिटिकल डिसीजन लेते हैं आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट करना पड़ता है चलिए बच्चों रीड करते हैं गिवन बिलो आर सम ऑफ द एन ऑडिटर should consider to obtain an understanding of the company's automated environment. ये जो following points हैं, ये auditor को पता होने चाहिए कि हाँ company के IT environment, automated environment से related क्या-क्या चीजें हैं, इनके answers auditor के पास होने चाहिए और फिर उसके बाद auditor को उसे properly document करना चाहिए. Auditor को कहाँ पे documentation करने की requirement है? Sir, ऐसे 230 के अंदर, ऐसे 230 डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि कोई भी क्रिटिकल डिसीजन जब आप लेते हैं तो आपको उसे डॉक्यूमेंट करना है कोई भी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आप लेते हैं तो आपको उसे डॉक्यूमेंट करना है तो अगर हम समरी में बात करें तो ऑडिटर को ये पॉइंट समझने हैं और उसके बाद उसे डॉक्यूमेंट करना है एस ए टू के अकॉर्डिंग ठीक है तो जी पहला पॉइंट है ऑडिटर को क्या चीज समझनी है इन्फॉर्मेशन सिस्टम बींग यूज की क्लाइंट कौन सा इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगाता है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगा रखा है उन्होंने कौन सा ईआरपी लगा रखा है टेली लगा रखा है सैप लगा रखा है माइक्रोसॉफ्ट का डायनामिक्स लगा रखा है और लगा रखा है मल्टीपल एप्लीकेशन अवेलेबल मल्टीपल आई सिस्टम्स सिस्टम आर अवेलेबल तो ऑडिटर आपका क्लाइंट कौन सा आई सिस्टम यूज करता है आपको वो जानना बहुत जरूरी है तो पॉइंट नंबर वन इज आईटी सिस्टम कौन सा लगा रखा है आपने सैप है आपके पास टेली है आपके पास ऑरकल है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का डायनामिक्स है और भी माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं तो आपने कौन सा आईटी सिस्टम लगाया आपको वो पता होना चाहिए और उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है सेकंड जो आईटी सिस्टम लगाया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है क्या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है या नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या उससे आपका ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस आएगा क्या उसमें फाइनेंशियल एंट्रीज डलेंगी या फिर नॉन फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल हो गया बच्चों जैसे अभी कोविड की सिचुएशन है कोविड की सिचुएशन में क्या है कि कोई भी पर्सन जो कंपनी में एंटर करे उसका टेम्परेचर प्रॉपरली मेजर्ड हो उसके साथ कोई भी रिस्क ना हो तो आपने एक सिस्टम लगा दिया जिसमें कोई भी पर्सन जैसे ही एंट्री करता है तो उसका टेम्परेचर आ जाता है और चेक हो जाता है कि हाँ उसके साथ कोई भी फीवर वगैरह तो नहीं है तो डेट इज सिस्टम विच यू हैव प्लेस फॉर अ नॉन फाइनेंशियल पर्पज तो ऐसे सिस्टम आपने लगा रखे हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड आपने सिस्टम लगा रखे हैं जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करके बताएगा कि क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है या नहीं है तो आपने जो आईटी सिस्टम लगाया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है थर्ड लोकेशन क्या है आई सिस्टम की आपकी लोकल है या ग्लोबल है मीन्स आपका सर्वर किस जगह है आपका मेन डेटाबेस किस जगह है क्या वो इंडिया के अंदर है इंडिया से बाहर है विद इन स्टेट है या आउटसाइड स्टेट है फोर्थ बच्चों आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर मीन्स आपका जो सिस्टम है सॉफ्टवेयर सेटअप है वो किस तरीके का है वेदर इसे डेस्कटॉप बेस्ड ऑफिस में डेस्कटॉप पे रिलेटेड है बस क्लाइंट का सर्वर है उसपे वेब एप्लीकेशन है क्लाउड बेस्ड है ये बच्चों सारी टेक्निकल टर्म्स है वेब एप्लीकेशन मीन्स ऑनलाइन पोर्टल है आपका क्लाउड बेस्ड है आपका मीन्स सर्वर के ऊपर सारी चीजें सेव्ड है क्लाइंट सर्वर आपका डेटा किसका है खुद का सर्वर है या किसी और का सर्वर है जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर है वो है डेस्कटॉप बेस्ड मीन्स आपका सारा डेटा क्या आपके सिर्फ डेस्कटॉप पे है मीन्स आपका डेटा किस जगह पर है कहाँ पर आप स्टोरेज करने लग रहे हो किस तरीके का आपका सिस्टम है जैसे आपका सारा डेटा अगर आपके लैपटॉप में है डेस्कटॉप बेस्ड हो गया अगर जो आपको आपके क्लाइंट ने सर्वर प्रोवाइड किया है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने जो सर्वर प्रोवाइड कर रखा है उसके ऊपर है वेब एप्लीकेशन मीन्स ऑनलाइन है क्लाउड बेस्ड मीन्स क्लाउड के ऊपर स्टोरेज है अगर आप मोबाइल फोन यूज करते होंगे तो जब आपका स्टोरेज एक बार क्रॉस हो जाता है मोबाइल फोन्स का बैकअप का तो आपको मोबाइल फोन्स बताता है कि हाँ आप क्लाउड पे स्पेस परचेज कर सकते हैं जहाँ पे आपका बैकअप लिया जा सकता है तो आपका डेटा किस तरीके से स्टोर होता है अब ये ऑडिटर के लिए जानना इसलिए जरूरी है क्यों क्योंकि रिस्क उसी हिसाब से है। अगर लेट से कि किसी थर्ड पार्टी के पास आपका सर्वर है और डेटा मेंटेड है और वो थर्ड पार्टी उस डेटा में कुछ अनऑथोराइज चेंज कर दे तो आपका तो आपका सारा डेटा करप्ट हो 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 जाएगा erode हो जाएगा इरोड डिलीट जाएगा मॉडिफाई हो जाएगा तो ऑडिटर को बहुत स्ट्रांगली जानना पड़ता है कि हाँ आपका डेटा किस जगह मेंटेड है और ऑडिटर को ये कंफर्ट लेना पड़ता है कि उसमें कोई बैकेंड में चेंज नहीं हुआ है नेक्स्ट इज वर्जन आप कौन सा वर्जन यूज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर का वेदर इट इज अपडेटेड और प्रीवियस वर्जन जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे आईफोन है आईफोन में आईओएस है एमआई MI में एमआईयूआई है तो ये अपडेट होते रहते हैं कंटिन्यूसली तो क्या आप अपडेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं या फिर कोई और वर्जन यूज कर रहे हैं उससे आपका रिस्क पता लगता है कैसे अगर आप ज्यादा पुराना फोन यूज कर रहे हैं कोई बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें तो बच्चे उसमें अपडेट जनरली नहीं आते हैं जैसे आज की डेट में अगर आप बोले आईफोन फोन फोर आई फाइव तो उसके सिस्टम के अपडेट्स नहीं आ रहे हैं बट जो लेटेस्ट आईफोन होंगे आईफोन फोन ट्वेल्व उसके अपडेट्स नहीं लग रहे हैं तो अपडेट से क्या होता है उसमें बग्स क्रिएट नहीं होते प्लस उसमें वायरसेस आने के चांसेस कम रहते हैं तो आप किस तरीके का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं वो ऑडिटर को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे क्या होता है ऑडिटर को समझ आता है कि कितना रिस्क है आपके वर्जन में फंक्शन एंड रिस्क कुड वेरी इन डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम एप्लीकेशन सेम एप्लीकेशन का फंक्शन और रिस्क अलग हो सकता है फॉर एग्जाम्पल जो लेटेस्ट आईफोन का आपका सॉफ्टवेयर होगा आईओएस होगा वो ज्यादा अपडेटेड होगा उसमें ज्यादा क्वालिटेटिव चीजें होंगी बक्स पकड़ने के चांसेस कम होंगे वेरस पुराने वाले में रिस्क ज्यादा होगा ठीक है बच्चों सिमिलरली बच्चों कंप्यूटर्स में भी सेम चीज होती है इंटरफेसेस विद इन सिस्टम विद इन सिस्टम में कितने इंटरफेसेस है इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि आप कितने सिस्टम्स यूज कर रहे हो लेक से आपने कहा मैं सैप यूज करता हूँ अकाउंटिंग के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा सिस्टम यूज करता हूँ इन्वेंट्री के लिए अब ये दोनों लिंक होंगे दोनों के बीच में इंटरफेस होगा सिमिलरली आपने कहा फिक्स एसेट के लिए आप कोई तीसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हो जिसमें सारी एफ ए की इंडिविजुअल डिटेल मेंटेन होती है और ये तीनों सिस्टम आपस में अपने लिंक करा रखे हैं सैप का सिस्टम लिंक करा रखा है एफ ए का सिंपल सिस्टम लिंक करा रखा है इन्वेंट्री का सिस्टम लिंक करा रखा है ये तीनों सिस्टम लिंक्ड है तो तीनों के बीच में इंटरफेसेस होते हैं इंटरफेसेस मीन ये तीनों लिंक्ड है अब वो जो इंटरफेस है ये इंटरफेस से लिंक होते हैं इनकी कमांड्स होती है इंटरफेस इज बेसिकली सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्राम बिटवीन दीज टू सिस्टम ताकि वो लिंक हो सके तो जितने ज्यादा सिस्टम होंगे उतने ज्यादा इंटरफेसेस होंगे और ऑडिटर को उतनी ही ज्यादा चीजें चेक करनी पड़ेगी इंटरफेसेस कब होता है केस ऑफ मल्टीपल सिस्टम एक्सिस्ट इन हाउस है या पैकेज है पैकेज है मतलब आपने किसी बाहर वाले से परचेज किया है या इन हाउस मतलब खुद डेवलप किया है आप जानते हैं आज की डेट में एप्स डेवलप हो जाती है सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं तो जो आई के पर्सन होते हैं वो इन हाउस सिस्टम भी डेवलप खुद कर सकते हैं तो जो क्लाइंट है आपका वो किस तरीके का सिस्टम यूज करता है वो उसने खुद ने डेवलप किया है या से एप का है या माइक्रोसॉफ्ट का है या किसी और रेपुटेड कंपनी का है क्यों क्योंकि अगर माइक्रोसॉफ्ट का है तो आपका रिस्क कम है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की क्वालिटी अच्छी है वेर एज इन हाउस के केस में हो सकता है रिस्क थोड़ा ज्यादा हो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन करेक्ट तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके का सिस्टम आप यूज करते हैं नेक्स्ट आउटसोर्स एक्टिविटी कितनी है उसमें आउटसोर्स मीन्स आई का मेंटेनेंस एंड सपोर्ट कौन करता है क्या आप खुद करते हैं या आपने किसी को आउटसोर्स कर रखा है जो उसे मेंटेन करता है क्योंकि अगर कोई पर्सन बाहर का मेंटेन कर रहा है तो उसमें एक रिस्क होता है कि वो उसका अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है तो ऑडिटर को ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जो एक्टिविटीज है क्या वो आउटसोर्स है या इनहाउस है लास्ट चीज है बच्चों की पर्सन की पर्सन मीन्स आपके चीफ पर्सन कौन है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर चीफ CIO मीन्स चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर सी आई एस ओ मींस चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर Means, आपके की पर्सन कौन है जैसे हमने कहा था जब आप बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेते हो तो आप की स्टेक होल्डर के बारे में जानना चाहते हो शेयर होल्डर्स के बारे में जानना चाहते हो तो सिमिलरली जब आप एक ऑटोमेटेड एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हो तो आप अपने चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में जानना चाहते हो कि वो कौन है तो उसके बाद हमने कहा था जब ऑडिटर को ये सारी चीजें पता लग जाए तो ऑडिटर को क्या करना होता है बच्चों सर डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंपनीज आई टी एनवायरमेंट दैट इज ऑपटेन शुड बी डॉक्यूमेंटेड ऑडिटर को क्या करना है डॉक्यूमेंट करना है किसमें करना है ऐसे टू थर्टी में करना है ऐसे टू थर्टी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोलता है अब वो आप किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर सकते हैं या किसी स्टैंडर्ड टेम्पलेट में कर सकते हैं या अपने तरीके से जो आपको सही लगे ताकि किसी को आप डिमोन्स्ट्रेट कर सके की आपने काम किया है आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होनी चाहिए तो अगर बच्चों हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हम ये बोलेंगे ऑडिटर को एक ऑटोमेटेड एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है उसके बाद उसे डॉक्यूमेंट करना होता है अंडरस्टैंडिंग किस चीज की लेनी है इन्फॉर्मेशन सिस्टम कौन सा यूज हुआ है उसका पर्पज क्या है चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो लोकेशन क्या है आर्किटेक्चर क्या है कौन सा वर्जन यूज होता है कितने इंटरफेसेस हैं क्या वो इन हाउस या पैकेज है आउटसोर्स है कितनी एक्टिविटीज आउटसोर्स है प्लस आपके की पर्सन कौन है चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर एंड एडमिनिस्ट्रेटर कौन है ठीक है बच्चों हाँ जी बच्चों बच्चों अभी तक हम लोगों ने ये समझा है कि ऑटोमेटेड एनवायरमेंट की एक ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है उसे डॉक्यूमेंट करना होता है अब हम ये समझते हैं कि जो आईटी रिस्क है इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क ऑन ऑडिट क्या होता है चेंज कर सकता है गलत प्रोसेसिंग हो सकती है डेटा की या गलत डेटा की प्रोसेसिंग हो सकती है गलत प्रोसेसिंग हो सकती है डेटा की या गलत डेटा की प्रोसेसिंग हो सकती है लॉस ऑफ डेटा हो सकता है ये चीजें बच्चों हम रिस्क ऑलरेडी समझ चुके हैं अब इन रिस्क से हमारे ऑडिट पे हमारा ऑडिट क्या है बच्चों सबसेंसिव ऑडिट होता है और कंट्रोल ऑडिट होता है कंट्रोल टेस्टिंग होती है सब्सटेंसिव टेस्टिंग होती है और उसके बाद हम उसे रिपोर्ट कर देते हैं यही तीन चीजें होती है बच्चों तो उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बिफोर हम कंटेंट पे जाए आप एक बार आराम से ध्यान लगा के सोचिए सब्सेंसिव ऑडिट में क्या होता था सर सब्सेंसिव ऑडिट में हम बैलेंस शीट चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं मीन्स हम रेवेन्यू चेक कर रहे हैं हम एफ चेक कर रहे हैं हम परचेजेस चेक कर रहे हैं करेक्ट बच्चों हाँ जी सर हम उनके सैंपल्स निकाल के चेक करते हैं करेक्ट एक छोटी सी चीज बच्चों हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी है। आप प्लीज एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करेंगे प्लस आप अपनी नोटिंग्स कर लीजिए लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए और आप अपने एग्जाम में में अपने आंसर्स को ड्राफ्ट कर सके ठीक है ऑडिट क्या था बच्चों सर हम सब्सटेंसिव ऑडिट में परचेजेस चेक कर रहे हैं रेवेन्यू के सैंपल चेक कर रहे हैं फिक्स एसेट के सैंपल चेक करते हैं करेक्ट कंट्रोल में क्या करते थे कंट्रोल में सर हम कंट्रोल्स की चेकिंग करते थे अब कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं सर कंट्रोल्स मैनुअल कंट्रोल हो सकते हैं या कंट्रोल ऑटोमेटेड हो सकते हैं या कंट्रोल सर आईटी पे डिपेंड कर सकते हैं आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल ये क्या होते हैं बच्चों आगे जाके हम समझेंगे आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल ऐसे कंट्रोल जो आईटी पे डिपेंड कर रहे हैं और मैनुअली करे जा रहे हैं जैसे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्लाइंट क्या करता है सिस्टम से रिपोर्ट डाउनलोड करता है बैंक बुक डाउनलोड करता है और उसके बाद मैनुअली बी बनाता है फॉर एग्जांपल। तो क्या हुआ बच्चों इस केस में आईटी से उसने रिपोर्ट डाउनलोड करी बैंक का लेजर डाउनलोड किया इसलिए आईटी डिपेंडेंट है मैनुअल कंट्रोल क्या है कि वो मैनुअली बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहा है तो अगर हम ऑडिट की बात करें तो सब्सेंसिव ऑडिट में बच्चों ये होता है कंट्रोल टेस्टिंग में बच्चों ये होता है अब एक बात बताओ अगर आईटी सिस्टम सही नहीं है और आईटी का डेटा सही नहीं है तो क्या आप सेल रजिस्टर रेवेन्यू की चेकिंग के लिए सेल रजिस्टर जो निकालना है सही से निकलेगा सर डाउटफुल है अगर आई सही नहीं है तो हो सकता है सेल रजिस्टर सही ना आए और जब सेल रजिस्टर सही नहीं आएगा तो आपकी चेकिंग सही नहीं होगी आप उसकी कम्प्लीटनेस और एक चेक नहीं कर पा रहे करेक्ट तो इसीलिए जब आई रिस्क की वजह से क्या हुआ आपको जो डेटा आप सिस्टम से ले रहे हो आपको उसकी कम्प्लीटनेस चेक करनी होगी एक चेक करनी होगी आपको और एविडेंसेस कलेक्ट करने होंगे टू तो टेक अ कम्फर्ट की जो सिस्टम से रिपोर्ट आ रही है वो सही है या नहीं है ये बात समझ आती है बच्चों हाँ जी सर सिमिलरली बच्चों कंट्रोल्स में जो ऑटोमेटिक कंट्रोल है जो आई टी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल है आपको इस पे कंफर्ट आएगा सर अगर आई टी रिस्क है तो हमारा कंफर्ट कम होगा तो हमें काम ज्यादा करना पड़ेगा हमें ज्यादा ऑडिट एविडेंसेज लेने पड़ेंगे टू इंश्योर कि हाँ आई टी ठीक है या नहीं है आई टी रिस्क का मतलब आई टी में गलती हो सकती है समथिंग कैन गो रॉन्ग जरूरी नहीं है कि वो गलत ही होगा बट कुछ गलत हो सकता है आपको डर है कि हाँ कुछ गलत हो सकता है तो आपको ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस लेके चेक करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा तो नहीं है की ऑडिट आईटी सही से काम नहीं कर रहा है और तीसरी चीज बच्चों अगर आपको लगेगा कि आईटी सही से काम नहीं कर रहा है तो आपको टीसी को बताना पड़ेगा हो सकता है अगर कंट्रोल सही नहीं है अकाउंट सही नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करनी पड़ेगी ये चीज समझ आती है बच्चों हाँ जी सर चलो इसको रीड करते हैं और रीड करके और समझते हैं हमने कहा impact on substantive audit. Cannot rely डेटा ऑप्टेन फ्रॉम द सिस्टम जो सिस्टम से डेटा आ रहा है हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि हमें रिस्क है कि कुछ गलत हो सकता है करेक्ट डेटा कैसे रजिस्टर जो सिस्टम से मिला है सेल्स रजिस्टर जो सिस्टम से मिले हैं आपको डर है कि हो सकता है वो गलत हो करेक्ट तो उसके लिए क्या करना होगा आपको मोर ऑडिट एविडेंसेस एविडेंसेस नीडेड आपको ज्यादा ऑडिट लेने होंगे टू गेट एन कम्फर्ट की जी ये डेटा ठीक है ये डेटा कंप्लीट है ट है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट शुड बी टेस्टेड सब्सटेंसिवली फॉर कम्प्लीटनेस एंड एक्यूरेसी आपको उसकी एक्यूरेसी और कम्प्लीटनेस चेक करनी पड़ेगी जो भी आपको सिस्टम से डेटा मिल रहा है कैसे चेक कर सकते हैं लेट से आपने सेल रजिस्टर निकाला आपने क्या निकाला आपने सेल्स रजिस्टर निकाला सेल्स रजिस्टर किससे टैली करेगा बच्चों रेवेन्यू से, बच्चो? से? हाँ जी सर तो आपने जो ट्रायल बैलेंस लिया है आपने चेक किया कि सेल रजिस्टर का टोटल रेवेन्यू से टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है टू तो गेट अ कम्फर्ट कि हाँ जी ये कम्प्लीट है या नहीं है एक्यूरेट है या नहीं है तो आईटी की वजह से क्या हुआ बच्चों आपको कम्फर्ट नहीं रहेगा कि जो डेटा है वो ठीक है या नहीं है आपको ज्यादा ऑडिट एविडेंसेज लेने पड़ेंगे प्लस आपको उनकी एक्यूरेसी और कम्प्लीटनेस चेक करनी पड़ेगी की हाँ जो डेटा है वो ठीक है या नहीं है सबस्टेंसिवली मतलब ये रिकनसिल ये जो चेकिंग कर रहे हैं आप सेल रजिस्टर की रेवेन्यू जो टीबी के अंदर आ रहा है उससे डेट इज अब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर ठीक है बच्चों सेकंड चीज है इंपैक्ट ऑन कंट्रोल्स कंट्रोल्स पे इंपैक्ट क्या आएगा आएगा कंट्रोल्स पे क्या कैन नॉट रिलाय ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल हम ऑटोमेटेड कंट्रोल पे रिलाय नहीं कर पाएंगे सिस्टम की कैलकुलेशन पे रिलाय नहीं कर पाएंगे और अकाउंटिंग पॉलिसीज जो एप्लीकेशन में सिस्टम में डली हुई है अप्रूवल्स जो सिस्टम में डले हुए हैं आप उस पर रिलाय नहीं कर पाओगे प्लस जो अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोसीजर्स भी सिस्टम में डले हुए हैं चाहे अकाउंटिंग पॉलिसीज हो चाहे अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हो दोनों जो सिस्टम में अपडेटेड हैं आप उस पर रिलाय नहीं कर पाओगे क्यों नहीं रिलाई कर पाओगे कि सर आईटी रिलेटेड रिस्क है हो सकता है कि वो गलत हो जाए हो सकता है गलत हो जाए तो उसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा सर हमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा और हमें चेक करना पड़ेगा कि वो चीज ठीक है या नहीं है तो यहाँ पे यही लिखा बच्चों सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट शुड बी टेस्टेड सब्सटेंसिवली फॉर कम्प्लीटनेस एंड एक उनको चेक करना पड़ेगा कि वो रिपोर्ट ठीक है या नहीं है और मोर सब्सटेंसिव ऑडिट इज नीडेड मोर सब्सटेंसिव ऑडिट मतलब आपको जो आप ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं ऑडिट सैंपल्स आप जो ले रहे हैं चेक करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो आप कर रहे हैं आपको ज्यादा करने पड़ेंगे इसके अलावा ये तो हो गया बच्चों ऑटोमेटेड कंट्रोल की बात इसके अलावा आप आईटी डिपेंडेंट मेनुअल कंट्रोल पे भी आप रिलाई नहीं कर पाओगे तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों सब्सेंसिव ऑडिट में जो रिपोर्ट आपने लिए आप उस पर रिलाई नहीं कर पाओगे कंट्रोल्स में क्या होगा जो ऑटोमेटेड कंट्रोल है जो आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल है जो सिस्टम कैलकुलेशन है और जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिस्टम में डाली गई है आप उस पर रिलाय नहीं कर पाओगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर हमें उसकी कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी दोनों केसेस में हमें ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस चाहिए और अगर हमें कमी मिलती है तो हमें क्या करना पड़ेगा सर हमें टीसी को बताना पड़ेगा और हमें मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड क्या होती है बच्चों आप आगे जाके पढ़ेंगे। ये ये चीज समझ आती है बच्चों। अगर हम हम इसको समराइज करें, तो क्या हम ये बोल सकते आपको इतना नहीं है। लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको मोर ऑडिट एविडेंसेस चाहिए आपको मोर सबसेंसिव ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे क्यों करने पड़ेंगे ताकि आप जो सिस्टम डेटा और रिपोर्ट है उनकी कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी को आप चेक कर सको ठीक है बच्चों बच्चों चलिए एक बार रीड कर लेते हैं फर्स्ट वी मे नॉट बी एबल टू रिलाई ऑन द डेटा ऑप्टेन फ्रॉम द सिस्टम वे आर सच रिस्क एक्सिस्ट जहां पे रिस्क है आपको डेटा के ऊपर कंफर्ट नहीं होगा दिस मीन्स ऑल फॉर्म ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट डेट वी ऑप्टेन फ्रॉम द सिस्टम फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट हैजू बी

डेटा हम सिस्टम से जनरेट करते हैं जो रिपोर्ट्स हम सिस्टम से जनरेट करते हैं हमें उन पे पूरा कंफर्ट नहीं होगा हमें उस रिपोर्ट को ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करके कोलैबोरेट करके उसकी कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी चेंज करनी पड़ेगी ठीक है बच्चों आगे पढ़ते हैं सेकंड वी विल नॉट बी एबल टू रिलाय ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल कैलकुलेशन अकाउंटिंग प्रोसीजर डेटर बिल्ट इन टू द एप्लीकेशन एडिशनल ऑडिट वर्क में बी रिक्वायर्ड इन दिस सिमिलर टू बच्चों ऑडिट कंट्रोल्स में क्या होगा कि जो-जो कंट्रोल सिस्टम में है सिस्टम में कौन से कंट्रोल होते हैं बच्चों ऑटोमेटेड कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल जैसे हम बोलते हैं आईटीडीएम आईटीडीएम पे आपका कंफर्ट नहीं होगा कंफर्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों सर हमें एडिशनल काम करना पड़ेगा ठीक है रिस्क क्या है बच्चों कि जैसे सबसे के लिए क्या हुआ जो रिपोर्ट निकली वो ठीक नहीं निकली वो गलत निकली और कंट्रोल्स में controls सही से फॉलो नहीं हो रहे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ अंपनी द ऑडिटर रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट में ऑल्सो हैसेस हमें आई एफ सी चेक करना होता है जो आप आगे जाके समझेंगे और आपने पहले भी इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में समझा है हमें आई के ऊपर रिपोर्ट करना होता है तो अगर हमें कंट्रोल्स पे कंफर्ट नहीं आता हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्या करनी पड़ेगी बच्चों मॉडिफाई करनी पड़ेगी ठीक है इन ऑल द अबाउट सर्कमस्टांसेस

कमेंटेशन करना पड़ेगा किस चीज का कि क्या क्या उसके पास रिस्क थे और उसने उसे इन रिस्क को कैसे क्लोज किया उसको कैसे वैलिडेट किया उसको कैसे एड्रेस किया उनको कैसे मिटिगेट किया तो समरी में बात करें तो ऑडिटर की रिक्वायरमेंट क्या हो गई बच्चों सर ऑडिटर की रिक्वायरमेंट हो गई ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करना क्या क्या रिस्क है और उनको मिटिगेट करना उसके जो प्रोसीजर है उसको वो डॉक्यूमेंट करेगा और क्या रिस्क की वजह से क्या हुआ बच्चों सर हमें ऑडिट में डेटा के ऊपर कंफर्ट नहीं रहा कंट्रोल्स में हमें कंट्रोल्स के ऊपर कंफर्ट नहीं रहा हो सकता है हमें मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करनी पड़े इस कंफर्ट को लाने के लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा बच्चों सर उसे मोर ऑडिट एविडेंस पड़ेंगे और उसे मोर एडिशनल वर्क करना पड़ेगा ताकि उसे कम्फर्ट आ जाए की हांजी जो डेटा है सिस्टम से जो डेटा मिला है वो ठीक है ठीक है बच्चो हांजी बच्चो बच्चो अब ये अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट ऑटोमेटेड एनवायरमेंट में किस किस टाइप के कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं होते हैं हम लोगों ने ये समझ लिया था कि अभी तक की ऑटोमेटेड एनवायरमेंट क्या होता है कंप्यूटराइज कंप्यूटर क्या होता है चलिए बच्चों ऑटोमेटेड एनवायरमेंट में तीन तरीके के कंट्रोल पाए जाते हैं वन इज जनरल आईटी कंट्रोल सेकेंड इज एप्लीकेशन कंट्रोल थर्ड इज आई डिपेंडेंट कंट्रोल्स इन तीनों कंट्रोल्स का मीनिंग क्या है और इसकी डिटेल अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं रीड करते हैं उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए हमने कहा आपकी कंपनी ने जो आपका क्लाइंट है उन्होंने एक कंप्यूटराइज सिस्टम लगा रखा है क्या लगा रखा है बच्चों सर एक कंप्यूटराइज सिस्टम लगा रखा है और उस कंप्यूटराइज सिस्टम में उन्होंने एक एप्लीकेशन यूज करी है लेट से सैप जिसपे वो सारी की सारी अपनी अकाउंटिंग करते हैं ठीक है, है बच्चों सारी अकाउंटिंग किसके ऊपर होती है सर सैप के ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हमने कहा कंपनी कहती है कि जो भी इन्वॉइस बनेंगे उसके ऊपर जो एम है और जो जीएसटी रेट है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक करेगा सिस्टम के अंदर वो रेट फीडेड है मतलब कंपनी ने क्या कहा कंपनी ने कहा एम और टैक्स रेट्स उन्होंने प्रोडक्ट वाइज लेवल पर सिस्टम के अंदर अपलोड कर दिए और जैसे ही इन्वाइस जनरेट होता है वो इन्वाइस इनको ऑटोमेटिकली पिक करता है ठीक है बच्चों? ये चीज समझ आती है तो कंपनी ने एक ऑटोमेटेड कंट्रोल लगा दिया ताकि आपका एम जो चार्ज हो रहा है जो टैक्स रेट चार्ज हो रहा है प्रोडक्ट वाइज वो सही चार्ज हो ये चीज क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन ये आ गया कि सर ये जो कंट्रोल कंपनी ने लगाया है क्या ये कंट्रोल आईटी जनरल कंट्रोल होगा जनरल आईटी कंट्रोल्स होंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल होंगे या आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल होंगे बात तो ठीक है बच्चों चलो एक साथ में एग्जाम्पल हम और लिखते हैं कंपनी ने कहा कि हम क्या करते हैं ये तो सिस्टम के अंदर कंट्रोल है सिस्टम के ऊपर भी एक तरीके का कंट्रोल लगाते है जो है पासवर्ड और यूजर आई डी कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसे सिस्टम को एक्सेस ना कर सके करेक्ट बच्चों अब ये जो कंट्रोल लगाया और ये जो कंट्रोल लगाया दोनों में डिफरेंस क्या आया दोनों में डिफरेंस बच्चों ये आया क्या कि ये जो कंट्रोल्स हैं ये किसी एप्लीकेशन के अंदर इनबिल्ट हैं और सिस्टम स्पेसिफिक है और मतलब सैप से रिलेटेड है स्पेसिफिक है पासवर्ड एंड यूजर आई कंट्रोल बच्चों आप चाहे सैप लगाते चाहे आप कोई और सिस्टम लगाते आपको ये कंट्रोल्स लगाने ही पड़ेंगे क्यों क्योंकि आप आईटी सिस्टम यूज कर रहे हो जैसे बैकअप के कंट्रोल हो गए आप कोई भी सिस्टम यूज करें चाहे आप सैप यूज करें चाहे आप टैली यूज करें आपको ये कंट्रोल्स लगाने ही पड़ेंगे बट मे बी पॉसिबल ये वाला कंट्रोल एम आर पी का कंट्रोल उस सिस्टम में ना हो जैसे टैली है टैली में जरूरी नहीं है कि आपको ये कंट्रोल मिले बट वहां पे भी आपको यूजर आई पासवर्ड लगाना पड़ता है तो क्या बच्चों हम ये कहें कि ऐसे कंट्रोल जो आपको लगाने पड़ेंगे चाहे आपका कोई भी सिस्टम हो एक कंट्रोल उस तरीके का हो गया दूसरा ऐसे कंट्रोल जो सिस्टम स्पेसिफिक है एप्लीकेशन स्पेसिफिक है तो जो कंट्रोल बच्चों आपको लगाने हैं चाहे आप कोई भी आईटी सिस्टम यूज करें उसे कहा जाता है बच्चों जनरल आईटी कंट्रोल्स और ऐसे कंट्रोल बच्चों जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड है सिस्टम बेस्ड है क्योंकि वो पर्टिकुलर सिस्टम और एप्लीकेशन से रिलेटेड है उन्हें कहा जाता है बच्चों एप्लीकेशन कंट्रोल ठीक है बच्चों एक बार और हम दोबारा से समझते हैं जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल्स को जनरल आईटी कंट्रोल्स बीस जनरली जो जनरल है जनरल है जनरल मीन्स जो हर जगह मेजोरिटी ऑफ द प्लेसेस एप्लीकेबल है चाहे आप कोई भी सिस्टम यूज करें यह कंट्रोल इसलिए लगाए गए क्योंकि आपने आईटी सिस्टम यूज आप सोचिए बैकअप का जो कंट्रोल है आप चाहे कोई भी सिस्टम यूज करें आप टेली यूज करें आप सैप यूज करें आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई सिस्टम यूज करें आपको यूजर आई पासवर्ड का कंट्रोल लगाना ही पड़ेगा बैकअप का कंट्रोल लगाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर वो आप नहीं लगाएंगे तो आपका सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो ऐसे कंट्रोल जो आईटी सिस्टम की वजह से लगाए गए हैं उन्हें जनरल आईटी कंट्रोल्स कहा जाता है और एप्लीकेशन कंट्रोल बच्चे वो हो गए जो एप्लीकेशन के कंट्रोल एप्लीकेशन मींस सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर्स में जो एप्लीकेशन डली हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम्स डले हुए हैं उनके ऊपर जो कंट्रोल है वो होते हैं बच्चों एप्लीकेशन कंट्रोल अगर हम ऑडिट पर्सपेक्टिव से बात करें तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स जनरली जो आप अकाउंटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो कंट्रोल्स इनबिल्ट हैं जैसे एमआरपीएन टैक्सेस का सेल्स ऑर्डर और सेल्स इनवॉइसस का मे बी कोई कंट्रोल हो तो ये जो कंट्रोल्स बिल्ट होते हैं जो एप्लीकेशन में बिल्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है बच्चों एप्लीकेशन कंट्रोल्स ठीक है बच्चों तो अभी तक आपने समझा कि दो तरीके के कंट्रोल जनरल आईटी कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल तीसरे तरीके का कंट्रोल आप समझेंगे जिसका नाम है आई डिपेंडेंट कंट्रोल मीन्स जो कंट्रोल किस पे डिपेंड करते हैं आईटी के ऊपर डिपेंड करते हैं सर आईटी पे डिपेंड करते हैं मींस वो कंट्रोल तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक आपके पास आईटी सिस्टम नहीं है उसे क्या कहा जाता है बच्चों आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स फॉर एग्जांपल बच्चों हमने कहा कंपनी में जो बैंक मैनेज करता है जो बैंक की एंट्री डालता है पर्सन अकाउंटेंट वो क्या करता है लेजर निकालता है सिस्टम से बैंक से बैंक स्टेटमेंट मंगाता है और दोनों से क्या बनाता है दोनों से बनाता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और चेक करता है कि कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है जो उससे मिस हो गई है और उसके बाद वो एंट्रीज पास करता है क्या काम ने बच्चों जो अकाउंटेंट है कंपनी में जो आपका क्लाइंट का अकाउंटेंट है वो बैंक एंट्रीज जो एंट्री करता है वो पहले बैंक का लेजर निकालता है आपकी बुक्स में बैंक बैंक से स्टेटमेंट मंगवाता है और उन दोनों की हेल्प से क्या बनाता है बच्चों बी आर एस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और चेक करता है कि हाँ कोई भी एंट्री मिस तो नहीं हो रही है जिसके अकाउंट्स में एंट्री डालनी थी तो बच्चों अब इस केस में क्या हुआ बैंक रिकेंसिलेशन स्टेटमेंट अकाउंटेंट ने मैनुअली बनाई हाँ जी सर बैंक स्टेटमेंट उसने मैनुअली कलेक्ट करी है ईमेल पे कलेक्ट करी जैसे भी करी और लेजर किससे निकाला लेजर निकाला से सिस्टम से मतलब बीआरएस बनाने के लिए उसने सिस्टम का यूज किया तो दिस इज अ कंट्रोल जो किस पे डिपेंड कर गया आईटी पे डिपेंड कर गया कंट्रोल क्या था मैनुअली उसने कंट्रोल किया बीआरएस बनाकर बट रिपोर्ट कहा से जनरेट करी लेजर से तो इसको कहा जाता है बच्चों आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल मींस ऐसे कंट्रोल जो आईटी पे डिपेंड करते हैं तो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो हम लोगों ने अभी तक तीन तरीके के कंट्रोल समझे जनरल आईटी कंट्रोल्स एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल तो पहले हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे फिर आके इस चार्ट को समझेंगे जनरल आईटी कंट्रोल मीन ऐसे कंट्रोल्स जो जनरली एग्जिस्ट करते हैं क्यों क्योंकि आप आईटी सिस्टम यूज करते हैं करेक्ट बच्चों चलिए अब इसको एक बार रीड करते हैं पहले इस पैराग्राफ को रीड कीजिएगा दीज आर इम्प्लीमेंटेड टू मिटिकेट द आई टी स्पेसिफिक रिस्क एंड अप्लाइड कॉमनली अक्रॉस मल्टीपल आई टी सिस्टम एप्लीकेशन एंड बिजनेस प्रोसेस हेंस जनरल आई टी कंट्रोल परवेसिव कंट्रोल और इनडायरेक्ट कंट्रोल कहने का मतलब ये हुआ बच्चों आईटी जनरल कंट्रोल ऐसे कंट्रोल होते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं क्यों क्योंकि आईटी रिस्क है आईटी के जो स्पेसिफिक रिस्क है आईटी को यूज करने की वजह से जो रिस्क है जैसे अनऑथराइज एक्सेस डेटा लॉस हो जाना तो ये चीज जो आईटी की वजह से रिस्क है क्योंकि आप कंप्यूटर सिस्टम यूज कर अगर आप मैन्युअली करते तो आप अपनी जो हार्ड कॉपी में लिखते हो वो आप में डालते अच्छा ले डॉते बट अभी आप कंप्यूटर में सारी अकाउंटिंग एंट्रीज करते हो सिस्टम पे सारी अकाउंटिंग एंट्रीज एंट्रीज करते हो तो सिस्टम पे एंट्रीज करने की वजह से रिस्क जो आया कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसे एक्सेस कर सकता है इसीलिए आपने यूजर आई पासवर्ड का कंट्रोल रखा तो ये जो कंट्रोल्स है जो आई के रिस्क को मिटिकेट करते हैं ये होते हैं बच्चों जनरल कंट्रोल और ये कंट्रोल एक एप्लीकेशन पे नहीं होते ये सारी एप्लीकेशंस पे होते हैं मल्टीपल आईटी सिस्टम्स पे होते हैं जो कंपनी या जो आपका क्लाइंट है वो यूज कर रहा है एंड अप्लाइड कॉमनली अक्रॉस मल्टीपल आईटी सिस्टम एप्लीकेशन एंड बिजनेस प्रोसेसिस मल्टीपल आईटी सिस्टम का मतलब जैसे लेट से आप इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फिक्स एसेट मैनेज करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप सेल्स की एंट्रीज डालने के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बट तीनों में एक चीज बताओ डेटा लॉस तो हो सकता है तो डेटा लॉस के लिए कंपनी तीनों के लिए सिमिलर एक कंट्रोल बना देती है कि हाँ हमें डेटा लॉस नहीं ले करना हमें डेली बेसिस पे या फिर रियल टाइम बेसिस पे बैकअप्स लेते रहना है करेक्ट तो ये जो कंट्रोल है बैकअप्स का ये सारे आईटी सिस्टम्स के ऊपर है ये सारी एप्लीकेशन के ऊपर है ये सारे बिजनेस प्रोसेसिस के ऊपर है चाहे सेल्स का प्रोसेस हो गया इन्वेंट्री का प्रोसेस हो गया एफ का प्रोसेस हो गया सबके ऊपर है इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों जनरल आई कंट्रोल इन अदर वर्ड्स इसे परवेसिव कंट्रोल्स भी कहा जाता है परवेसिव जो एग्जिस्ट करते हैं मल्टीपल जगह एंड एवरीवेयर इन द सिस्टम और इनडायरेक्ट कंट्रोल्स इनडायरेक्ट कंट्रोल्स इसलिए बच्चों क्योंकि एप्लीकेशन एप्लीकेशन कंट्रोल नहीं है सिस्टम के जो आप यूज कर रहे हैं उसके कंट्रोल्स नहीं है बेसिक जो आईटी रिस्क को मिटिगेट कर आई टी जीसी इफेक्ट द आई आईटी सिस्टम अदर एप्लीकेशन कंट्रोल प्लस आई डिपेंडेंट कंट्रोल डिपेंड्स ऑन इट सारे के सारे कंट्रोल बच्चों जनरल आईटी कंट्रोल्स पर डिपेंड करते हैं उनको कैसे चेक करना है क्या नहीं चेक करना है वो हम आगे समझेंगे अभी के लिए हमने ये समझा कि जनरल आईटी कंट्रोल वो कंट्रोल हो गए जो आईटी स्पेसिफिक रिस्क को मिटिगेट करते हैं मल्टीपल सिस्टम के अगेंस्ट है मल्टीपल एप्लीकेशन या प्रोसेसेस के ऊपर ये कंट्रोल्स होते हैं इनको परवेसिव कंट्रोल या इनडायरेक्ट कंट्रोल भी कहा जाता है ठीक है बच्चों चलिए अब एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं जनरल आई टी कंट्रोल आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डेट रिलेट टू कितनी एप्लीकेशन वन एप्लीकेशन एप्लीकेशन सर मेनी एप्लीकेशन एंड सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल जनरल आई टी कंट्रोल इंश्योर करता है की एप्लीकेशन कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बच्चों जैसे हमने कहा सिस्टम के अंदर एम आर पी और टैक्सेस अपडेटेड है सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक करता है तो ये तो हो गया एप्लीकेशन बट अगर कोई अनऑथोराइज पर्सन उसे एक्सेस कर ले और जीएसटी एस रेट वगैरह गलत कर दे तो तो क्या ये कंट्रोल सही रहेगा नहीं सर फिर ये कंट्रोल सही से काम नहीं करेगा क्योंकि फिर वो गलत रेट पिक करेगा तो इसीलिए ये जो कंट्रोल है जो एप्लीकेशन कंट्रोल को सुचारू रूप से ठीक रूप से काम करने में मदद करता है उसे क्या कहा जाता है चनल आई टी कंट्रोल चनल आईटी कंट्रोल्स क्या हुए आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स वो पॉलिसीज मतलब वो कंट्रोल्स जो कंपनी ने बनाए हैं किस लिए बनाए हैं जो मैने एप्लीकेशन पे काम करें प्लस एप्लीकेशन कंट्रोल को इफेक्टिवली काम करने में हेल्प करे ठीक है इसके कुछ एग्जांपल्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के हमने लिखे हैं, जैसे डेटा का बैकअप हो गया अनऑथराइज चेंजेस या एक्सेस को रोकना किससे रोक सकते हो आप यूजर आईडी और पासवर्ड का कंट्रोल लगाकर ठीक है बच्चों दे अप्लाई टू मेन फ्रेम मिनी फ्रेम एंड एंड यूजर एनवायरमेंट्स जनरल आईटी कंट्रोल किस पे लगते हैं मेन फ्रेम बड़ा कंप्यूटर आगे जब जाएंगे तो आप डेफिनेशन समझेंगे मिनी फ्रेम स्मॉलर लेवल कंप्यूटर एंड एंड यूजर एनवायरमेंट एंड यूजर एनवायरमेंट मतलब हम लोग जैसे हम लोग यूज करते हैं सिस्टम को तो वी आर एंड यूज़र्स ठीक है बच्चों जनरल आई टी कंट्रोल डेट मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा जनरल आई टी कंट्रोल क्या इंश्योर करता है इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो ठीक है जैसे हमने अभी एग्जाम्पल समझा था एम का कि अगर जनरल आई टी कंट्रोल नहीं होगा कोई भी अनऑथराइज पर्सन सिस्टम को एक्सेस करके एम आर पी या जीएसटी रेट टैक्स रेट चेंज कर सकता है तो उस वजह से इन्फॉर्मेशन क्या आएगी गलत आएगी तो इन्फॉर्मेशन की करेक्टनेस इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए क्या लगाया जाता है जनरल आई टी कंट्रोल एंड डेटा को सिक्योर करने के लिए क्या लगाया जाता है जनरल आई टी कंट्रोल डेटा को सिक्योर करने के लिए जैसे कोई भी पर्सन बैकहेंड पे जाके डेटा चेंज कर अब पे जाके डेटा चेंज करना है ये तो सारे आई सिस्टम में हो सकता है हाँ जी सर तो इसके लिए कौन सा कंट्रोल लगेगा सर जनरल आईटी कंट्रोल लगेगा तो जनरल आईटी कंट्रोल्स कंट्रोल मेंटेन्स इंटीग्रिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा इंक्लूड्स फॉलोइंग पहला डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन जनरल आईटी कंट्रोल चार चीजों पे लगाए गए हैं डेटा सेंटर पे मीन जहाँ पे डेटा सारा कलेक्ट होता है क्या और वो सही रहे इसके लिए डेटा सेंटर पे कंट्रोल लगाया जाता है एंड नेटवर्क ऑपरेशंस डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन मीन्स डेटा सेंटर जहाँ पे सारा डेटा है नेटवर्क ऑपरेशन मीन्स जो जो उससे कनेक्टेड यूनिट्स हैं लैपटॉप्स हैं सर्वर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं ताकि प्रॉपर स्टोरेज रहे बैकअप्स लिए जा सके प्रोग्राम चेंज कोई भी पर्सन आके आपके एप्लीकेशन या प्रोग्राम में चेंज ना कर सके नो ऑथराइज एक्सेस सिक्योरिटी एक्सेस मतलब किसी चीज को लॉग इन करना यूज करना अभी हमने बोला कि कोई भी अनऑथोराइज पर्सन उसे एक्सेस ना कर सके अनऑथोराइज पर्सन सिस्टम को यूज ना कर सके इसके लिए क्या लगाए जाते हैं चैनल आई टी कंट्रोल एंड द फोर्थ इज एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कोई भी एप्लीकेशन सिस्टम जैसे सैप आप परचेज कर रहे हैं या खुद बना रहे हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं बिजनेस एप्लीकेशन मीन्स जैसे आपका सैप हो गया टेली हो गया उनको आप परचेज कर रहे हैं एक्विजिशन मतलब परचेज कर रहे हैं डेवलप कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं वो चीजें सही से हो रही है कोई भी पर्सन उसमें जाके अनऑथराइज चेंजेस ना कर दे इसीलिए जनरल आई कंट्रोल्स लगाए जाते हैं तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो बच्चों जनरल आईटी कंट्रोल चार चीजों पे लगाए जाते हैं चार चीजें क्या है डेटा सेंटर डेटा सेंटर मींस जहाँ पे डेटा का प्रॉपर स्टोरेज हो बैकअप हो सेकंड प्रोग्राम में कोई पर्सन अनऑथराइज में चेंज ना कर दे थर्ड कोई भी अनऑथराइज पर्सन डेटा को एक्सेस ना करे एक्सेस सिक्योरिटी एंड अ फोर्थ एप्लीकेशन सिस्टम का एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस अगर आप बच्चों ध्यान से देखेंगे तो ये चारों चीजें हर सिस्टम चाहे आप टेली यूज करें चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स यूज करें चाहे आप सेप यूज करें या कोई और सॉफ्टवेयर यूज करे फॉर एग्जाम्पल ऑरक्ल यूज करें तो हर एक के अंदर आपको ये चार तरीके के कंट्रोल रखने ही पड़े तो जनरल आई टी को बेसिकली चार पार्ट में बांट दिया गया किन किन चार पार्ट में बच्चों सर डेटा की सिक्योरिटी प्रोग्राम की सिक्योरिटी एक्सेस की सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन सिस्टम की सिक्योरिटी और इन अदर वर्ड वी कैन से डीपी डेटा प्रोग्राम एक्सेस एंड एप्लीकेशन सिस्टम इन चार चीजों को जो कंट्रोल से रिलेट करते हैं वो है बच्चों जनरल आईटी कंट्रोल्स ठीक है बच्चों? इतनी बात समझ आती है अगर हम जनरल आईटी कंट्रोल को कंक्लूड करें, तो क्या हम ये कह सकते हैं आईटी टी जनरल कंट्रोल्स आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो क्या करते हैं बच्चों? सर इफेक्टिव फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं किसकी एप्लीकेशन कंट्रोल की क्या वो एक एप्लीकेशन कंट्रोल से रिलेटेड होते हैं या एक एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं नहीं सर वो मल्टीपल एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं मल्टीपल आईटी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है सर परवेसिव कंट्रोल और इनडायरेक्ट कंट्रोल भी कहा जाता है रिलेड टू मेनी एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आई सिस्टम छोटा सा एग्जाम्पल हमने रिवेन्यू की कोई एप्लीकेशन है सिस्टम के अंदर तो जो रेवेन्यू के एप्लीकेशन पे कंट्रोल है वो तो बच्चों हो गया एप्लीकेशन कंट्रोल और जो ओवरऑल सिस्टम पे कंट्रोल है जैसे ये तो रिवेन्यू हो गया सिमिलरली परचेज की एप्लीकेशन है एफए की एप्लीकेशन है इन सब पे जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों सर ओवरऑल आईटीजीसी कंट्रोल और ओवरऑल आईटीजीसी कंट्रोल बच्चों कितने पार्ट में होते हैं जनरली किस किस तरीके के होते हैं सर ओवरऑल आईटीजीसी कंट्रोल आईटी कंट्रोल्स चार तरीके के होते हैं क्या पहला हो गया सर डेटा के ऊपर कंट्रोल दूसरा प्रोग्राम के ऊपर कंट्रोल तीसरा ए फॉर एक्सेस के ऊपर कंट्रोल चौथा ए फॉर एप्लीकेशन के ऊपर कंट्रोल तो अगर आपको जनरल आईटी कंट्रोल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो प्लीज आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे प्लस आप उसके टाइप्स लिखेंगे ठीक है बच्चों हाँ जी बच्चों बच्चों अभी अपना टॉपिक है जनरल आईटी कंट्रोल मतलब आईटी जनरल कंट्रोल वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल्स ठीक है अभी तक बच्चों हम लोगों ने समझा कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं आईटी जनरल कंट्रोल्स क्या होते हैं हमें उसकी एक बेस अंडरस्टैंडिंग मिल गई हमने ये समझा था कि आईटी जनरल कंट्रोल जनरल कंट्रोल्स होते हैं जो ओवरऑल सिस्टम पे लगते हैं क्यों लगते हैं क्योंकि आप आईटी सिस्टम को यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन कंट्रोल कौन से थे एप्लीकेशन कंट्रोल वो कंट्रोल थे जो सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन में इनबिल्ट है किसी पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस लेवल के जो कंट्रोल होते हैं उन्हें एप्लीकेशन कंट्रोल कहा जाता है है ठीक बच्चों चलिए अब समझते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है पहला पॉइंट है बच्चों जनरल आईटी आईटी कंट्रोल्स मतलब जनरल कंट्रोल्स आर नीडेड टू सपोर्ट एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल आई टी डीसी डिपेंडेंट कंट्रोल बिना जनरल कंट्रोल के आप ये दोनों कंट्रोल्स चेक नहीं कर सकते ऑल इन अदर वी कैन से कि ये दोनों कंट्रोल्स की टेस्टिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है जनरल आईटी कंट्रोल्स के ऊपर क्यों क्योंकि अगर जनरल आईटी कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है जनरल आईटी कंट्रोल्स ठीक नहीं है तो एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल आपके रिजल्ट्स ठीक नहीं देंगे सर ऐसा क्यों हमने कहा बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हमने कहा बच्चों हम लोगों ने एक एग्जांपल समझा था जनरल आईटी कंट्रोल में किसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड का हाँ जी यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्या करता है बच्चों ताकि सर जो पर्सन ऑथराइज्ड पर्सन है वही सिस्टम को एक्सेस कर सके कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर सके और दूसरा एप्लीकेशन कंट्रोल में बच्चों हमने एग्जाम्पल समझा था एक सिस्टम जीएसटी रेट सिस्टम ऑटोमेटिकली uh, पिक करता है सिस्टम के अंदर रेट फीडेड है तो जब आप इनवॉइस जनरेट करते हैं तो सिस्टम जो रेट फीडेड है उससे ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है अब एक चीज बताइए बच्चों अगर ये कंट्रोल ना हो यूजर आईडी एंड पासवर्ड का तो कोई भी पर्सन किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकेगा हाँ जी सर तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक अनऑथराइज्ड पर्सन जिसके पास राइट नहीं है या कोई ऐसा पर्सन जाके जीएसटी रेट का मास्टर डाटा गलत कर दे जीएसटी रेट बैकएंड पे जाके चेंज कर दे तो उससे क्या होगा अगर जीएसटी रेट लेट से एटीन परसेंट था और किसी पर्सन ने उसे चेंज करके फिफ्टीन परसेंट कर दिया तो अब जब भी इनवॉइस जनरेट होंगे तो सिस्टम कौन सा रेट पिक करेगा सिर्फ फिफ्टीन परसेंट रेट पिक करेगा वेयर एस सही रेट क्या था 18% सिस्टम ने तो अपना काम सही किया सिस्टम तो ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है बट बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने जाके उसे चेंज कर दिया उसे गलत कर दिया ये कंट्रोल इनफेक्टिव हो गया क्यों क्योंकि अब सही रेट नहीं आ रहा है रेट होना चाहिए था 18 बट देख कितना रहा है 15 क्यों दिख रहा है क्योंकि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने उसे चेंज कर दिया तो टाइम ये कंट्रोल सही से काम नहीं कर रहा है यूजर आई एंड पासवर्ड का एप्लीकेशन कंट्रोल जीएसटी का रेट का कंट्रोल सही से काम नहीं कर पाएगा उसमें चांसेस हैं गलती होने के गलती होने के चांसेस क्या है कि कोई पर्सन जाके उसे चेंज कर दे तो उससे रेट जो पिक होगा वो गलत रेट पिक होने लग जाएगा ऐसा पॉसिबल है बच्चों हां जी सर तो अगर आई टी जनरल कंट्रोल सही नहीं है इफेक्टिव नहीं है तो एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है क्या होता है वो हम थोड़ी देर बाद समझते हैं बट फर्स्ट एंड प्रायर मोस्ट कंडीशन क्या है बच्चों आईटी जनरल कंट्रोल आर नीडेड टू सपोर्ट एप्लीकेशन एंड आई टी डिपेंडेंट कंट्रोल आई टी डिपेंडेंट कंट्रोल भी बच्चों क्यों क्योंकि आई टी डिपेंडेंट कंट्रोल में जो रिपोर्ट होती है वो सिस्टम से ड्रिवन होती है सिस्टम से निकाली जाती है तो अगर किसी पर्सन ने गलत चेंज कर दिया है तो रिपोर्ट भी बच्चों आपकी गलत आएगी और आपका कंट्रोल सही से काम नहीं करेगा क्यों उस केस में वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक नहीं कर पाएगा इसीलिए सबसे पहली कंडीशन आई क्या जनरल आईटी कंट्रोल की इफेक्टिवनेस बहुत जरूरी है टू सपोर्ट एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आई डिपेंडेंट कंट्रोल सेकेंड पॉइंट बच्चों आई जनरल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल दोनों की इफेक्टिवनेस जरूरी है किसके लिए टू इंश्योर कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिस्टम देखो आईटी जनरल कंट्रोल से एप्लीकेशन कंट्रोल ठीक होंगे ऐसा हमें लगता है बट जब ये दोनों सही होंगे तभी कंपनी का डेटा ठीक आएगा फॉर एग्जांपल हमने कहा यूजर आईडी पासवर्ड का कंट्रोल सही से काम कर रहा है बट सिस्टम में कुछ टेक्निकल एरर है जिस वजह से वो रेट 18% पिक ही नहीं कर रहा कोई गलत रेट पिक करने लग रहा है टेक्निकल एरर हो सकता है बच्चों ग्लिच हो सकता है हो सकता है सर तो अगर ये एप्लीकेशन कंट्रोल ठीक से काम नहीं कर रहा तो जो आपका जीएसटी का रेट है सही चार्ज नहीं हो रहा नहीं सर तो हमें सही इंफॉर्मेशन के लिए एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए दोनों कंट्रोल्स का सही से काम करना जरूरी है आईटीजीसी एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स दोनों का तो अगर हम दोनों के रिलेशन की बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल किसके ऊपर डिपेंड करते हैं सर जनरल आईटी कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करते हैं और कंपनी का डेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है सर इन दोनों कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस के ऊपर डिपेंड करता है करेक्ट अगर ये दोनों कंट्रोल्स ठीक हैं एप कंट्रोल एंड आईटीजीसी कंट्रोल आईटी जनरल कंट्रोल या फिर यू कैन से जनरल आईटी कंट्रोल तो अगर ये दोनों कंट्रोल ठीक है तभी आपकी इंफॉर्मेशन ठीक होगी ठीक है बच्चों हाँ जी सर अब बच्चों आपका ये सवाल आ सकता है सर आईटीडीसी आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल कैसे जनरल आईटी कंट्रोल पे डिपेंड करेंगे तो बच्चों उसके लिए भी हम यही कहेंगे क्योंकि आई क्या होता है बच्चों आईटी पे डिपेंड करने वाले कंट्रोल हैं जो आईटी पे डिपेंड कर रहे हैं जो रिपोर्ट सिस्टम से निकलती हैं और अगर आई ठीक नहीं होगा तो रिपोर्ट्स ठीक नहीं होंगे तो इस वजह से वो आईटीडीसी ठीक नहीं होंगे तो इसके अलावा आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल पे हमने एक चीज और कही थी कि हाँ ये मैनुअल कंट्रोल्स भी हो सकते हैं कैसे जैसे बैंक रिकंसिलेशन का हमने कंट्रोल लिया था कि हां जी जिसमें आप आईटी से रिपोर्ट निकालते हैं देन बैंक लेजर निकाला आपने आईटी से बैंक स्टेटमेंट लिया और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई तो अगर आपका आईटी जीसी ठीक नहीं है आपके जनरल आई कंट्रोल ठीक नहीं है तो वो रिपोर्ट ठीक नहीं आएगी तो फिर जो आप बी बना रहे हैं वो भी ठीक नहीं होगी ठीक है बच्चों? इसके अलावा बच्चों हमने बहुत जगह शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी है जैसे यहाँ पे आई टी जी सी कंट्रोल आई टी जी सी लिखा है आई टी डी सी लिखा है आप प्लीज शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करेंगे एग्जाम में ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी गई है प्लस आप इन सबकी नोटिंग्स करेंगे ताकि आपको ये चीजें याद हो सके और आप एग्जाम में अपने आंसर्स फ्रेम कर सके ठीक है बच्चों अगर बच्चों हम ये कहें कि आपको एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी जनरल कंट्रोल में से पहले किसकी चेकिंग करनी चाहिए सर हमें पहले आईटी जनरल कंट्रोल की चेकिंग करनी चाहिए क्यों बच्चों क्योंकि सर एप्लीकेशन कंट्रोल कंट्रोल किस पे पे डिपेंड करते हैं जनरल अगर जनरल कंट्रोल ठीक ही नहीं होंगे तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी ठीक नहीं होंगे तो हमें सबसे फर्स्ट स्टेप पे चेकिंग किसकी करनी होती है बच्चों चेकिंग करनी होती है हमें आईटी जनरल कंट्रोल की ठीक है बच्चों आईटी सिस्टम चेकिंग स्टेप वन पे आप किसकी चेकिंग करेंगे आईटीजीसी की चेकिंग करेंगे और इसकी चेकिंग के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि क्या आपको एप्लीकेशन कंट्रोल की टेस्टिंग करनी है या नहीं अगर आपके जनरल कंट्रोल सही हैं, इफेक्टिव हैं, सही से काम कर रहे हैं तो तो आप एप्लीकेशन कंट्रोल चेक करेंगे बट अगर आपके जनरल कंट्रोल सही से काम नहीं कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन कंट्रोल चेक नहीं करेंगे उसके लिए हमें क्या करना है अभी हम समझते हैं अगर आई टी जनरल कंट्रोल इफेक्टिव है तो आप एप्लीकेशन कंट्रोल पर रिलाई कर सकते हैं और टेस्टिंग आपको करनी चाहिए ठीक है बच्चों? और अगर आपका आईटी जनरल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है तो आपको असेस करना पड़ेगा उसके इम्पैक्ट को ऑन एप्लीकेशन कंट्रोल एसी मतलब एप्लीकेशन कंट्रोल प्लीज आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे जैसे हमने यहाँ पे इन्फो लिखा है मीन इन्फॉर्मेशन तो आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे प्लस आप इनकी नोटिंग्स बना लें सो डेट आप अपने एग्जाम में आंसर को प्रॉपरली ड्राफ्ट कर सके और आपको चीजें याद रहे आई में अगर इफेक्टिव है तो आप रिलाय कर सकते हो और आगे आप एप्लीकेशन कंट्रोल की टेस्टिंग कर सकते हो बट अगर इफेक्टिव नहीं है मतलब आईटी ठीक नहीं है तो देर इज ए चांस की एप्लीकेशन कंट्रोल ठीक ना हो कह सकते हैं बच्चों ऐसा हाँ जी से तो हमें क्या करना होगा हमें उसका इम्पैक्ट देखना होगा कि क्या हमें एप्लीकेशन कंट्रोल चेक करने हैं या नहीं करने हैं ये बच्चों सब्जेक्टिव डिसीजन है जो आप प्रैक्टिकली जब आप ऑडिट करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या हमें टेस्ट करने हैं या नहीं करने जनरली हम लोग टेस्ट नहीं करते हैं जब हमारे आईटीजीसी इफेक्टिव नहीं होते हैं तो हम यही कह रहे हैं कि अगर आई इफेक्टिव नहीं है तो आप चेक करें कि आपको क्या एप्लीकेशन कंट्रोल चेक करने हैं या नहीं करें करने हैं उसका इम्पैक्ट को असेस करें एंड प्लान फॉर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर मींस आपको देखना है कि क्या आपको एप्लीकेशन कंट्रोल टेस्ट करने हैं या नहीं करने और आपको ऑल्टरनेटिव क्या प्रोसीजर करने हैं ताकि आपको कंफर्ट आ जाए कि इन्फॉर्मेशन ठीक है वो कैसे हो सकता है बच्चों बच्चों अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए सिस्टम से फॉर एग्जाम्पल सेल्स की तो हमने कहा देखो जी एक ट्रायल बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में एक सेल्स का नंबर आ रहा होगा आप निकालो सेल रजिस्टर आप मैनुअली चेक करो कि जो टीवी में और सेल्स का नंबर आ रहा है और जो सेल रजिस्टर का टोटल है क्या वो सेम है या नहीं है देन आप उसमें से कुछ सेल्स के इन्वॉइस चेक करो टू गेट अ कम्फर्ट की हाँ ये सेल रजिस्टर भी ठीक है या नहीं है तो अगर आप ये कहते हैं कि हाँ जी एप्लीकेशन कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है तो आपको अदर प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे मोर प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी और हो सकता है एप्लीकेशन कंट्रोल की टेस्टिंग ना करनी पड़े कैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपने ट्रायल बैलेंस देखा ट्रायल बैलेंस में एक सेल्स का नंबर है आपने सेल रजिस्टर निकलवाया नंबर चेक किया कि आए दोनों टैली कर रहे हैं या नहीं कर रहे मेरी सब सन ऑडिट किया वंस आपको कंफर्म हो गया कि हाँ ये नंबर टैली कर रहे हैं फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ हम और सेल्स के इन्वॉइस चेक कर सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल हो है बच्चों जैसे जीएसटी का रेट है आपने कहा सिस्टम से ऑटो रेट आता है बट हमें एप्लीकेशन कंट्रोल पे कंफर्ट नहीं है तो आप क्या करें सेल्स के 25 पच्चीस पचास एज पर जो भी रिक्वायरमेंट है आईसीआई की या फिर आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग उस क्लाइंट पे कितने सैंपल साइज होना चाहिए उस सैंपल साइज पे आप जाके मेनुअली चेक करो कि जीएसटी सही से लगा है या नहीं लगा और एक कंफर्ट लीजिए कि हां जी क्या नंबर्स ठीक हैं या नहीं हैं क्या कंट्रोल प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा तो कहने का मतलब बच्चों ये हुआ अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हम बोलेंगे कि एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटीडीसी जनरल कंट्रोल पर डिपेंड करता है कंपनी की सही इंफॉर्मेशन होना आईटीजीसी एप्लीकेशन कंट्रोल दोनों पर डिपेंड करता है आईटीजीसी और एप्लीकेशन कंट्रोल में से पहले किसकी चेकिंग करी जानी चाहिए सर आईटीजीसी की और उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि क्या आपको एप कंट्रोल चेक करने हैं या नहीं है अगर आईटीजीसी इफेक्टिव है आप आईटी सिस्टम पर रिलाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन कंट्रोल की टेस्टिंग कर सकते हैं बट अगर आईटीजीसी इफेक्टिव नहीं है तो आप उसका इम्पैक्ट अपने एप्लीकेशन कंट्रोल्स पे देखेंगे आप हो सकता है कि एप्लीकेशन कंट्रोल की टेस्टिंग ना करें और आपको अदर ऑल्टर प्रोसीजर्स करने पड़े मीन आपको मैनुअली सारी चीजें चेक करनी पड़े ठीक है बच्चों हाँ जी बच्चों बच्चों अभी तक हम लोगों ने जनरल आईटी कंट्रोल के बारे में समझा था कि वो क्या होते हैं और वो किस किस तरीके के हो सकते हैं किस किस चीजों पे लगते हैं जैसे हमने कहा था कि डेटा सेंटर नेटवर्क प्रोग्राम ऑपरेशन होते हैं सेकेंड प्रोग्राम चेंज थर्ड एक्सेस सिक्योरिटी फोर्थ दिस एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस हम लोगों ने ये चीज अब तक जानी थी अब एज एन ऑडिटर आपको इन चारों चीजों के लिए इन फोर एक्टिविटीज के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होंगी इन फोर गोल्स को अचीव करने के लिए कि आपको क्या क्या करना होगा चलिए एक बार उसके बारे में समझते हैं फर्स्ट पॉइंट है बच्चों डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस। एक ऑडिटर को अगर चेक करना है हाँ जी आपका डेटा सेंटर ठीक है नेटवर्क ऑपरेशंस जो आपके हैं वो ठीक है वो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ठीक कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक ऑडिटर कैसे चेक करेगा उसके लिए एक ऑडिटर को क्या क्या एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है वो नीचे लिखी है बच्चों चलिए एक एक करके रीड करते हैं टू इंश्योर डेट प्रोडक्शन सिस्टम प्रोडक्शन सिस्टम बेसिकली हाँ आपके आईटी सिस्टम्स को कहा जा रहा है प्रोडक्शन इसलिए क्योंकि उनसे आईटी रिपोर्ट्स निकलती हैं फाइनेंशियस बनते हैं इसीलिए उसे यहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम किया गया है टू इंश्योर डेट अ प्रोडक्शन आर टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मीन्स जो आपके सिस्टम है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को मीट कर रहे हैं उससे फाइनेंशियल ठीक बनेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज ठीक हो रही है वो कैसे ऑडिटर चेक करने वाला है देखिए ऑडिटर को देखना है ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज ये बच्चों एक्टिविटीज हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये सारी एक्टिविटीज लिखनी होंगी कि एज एन ऑडिटर आप क्या क्या करते हैं जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है बच्चों? वी हैव हम लोग के पास आईटी ऑडिट अलग से होता है जिसमें हमारे पास आईटी के स्पेसिफिक बंदे होते हैं जिनको

ऑडिटर को देखना है ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज कि कंप्यूटर का जो ऑपरेशन है वो कैसे हो रहा है उसका ओवरऑल मैनेजमेंट कौन करता है कौन रिस्पॉन्सिबल है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेंजेस करने की ठीक है बच्चों सेकेंड पॉइंट है बैच जॉब्स बैच जॉब्स क्या होता है बच्चों बैचेस आर बेसिकली ग्रुप्स होता क्या है कि बहुत सारी एंट्रीज बैचेस में पास होती है जैसे एक चीज देखिए डेप्रिशिएशन है डेप्रिशिएशन क्या होता है बच्चों मल्टीपल एसेट्स है सभी एसेट्स पे चार्ज होगा करेक्ट सेकंड इंटरेस्ट है बैंक के केस में अब इंटरेस्ट क्या होता है सारे कस्टमर्स को देना होता है हमें इंटरेस्ट एंट्रीज कस्टमर्स को देना है तो जिन जिनको देना है तो सबके बुक्स में एंट्रीज पास होती है तो क्या होता है एक ही बार में एक एंट्री सारे अकाउंट्स में पास हो जाती है दिस इज कॉल्ड जॉब। जॉब्स क्या होता है? बैचेस में जो एंट्रीज रन होती हैं, वो शेड्यूल हो जाती है तो वो सारे अकाउंट्स में एंट्री हो जाती है जैसे बैंक में जब इंटरेस्ट क्रेडिट होता है बच्चों तो क्या होता है बैंक ने कमांड दे रखी है सिस्टम को कि जी डे एंड पर या मंथली बेसिस पर आप क्या करेंगे इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे और सारे अकाउंट्स को क्रेडिट कर देंगे तो वो क्या होता है ऑटोमेटिकली पिक होता है ऑटोमेटिकली वो फंक्शन रन होता है और मंथ एंड पे वो एंट्री रन होके सारे कस्टमर्स के अकाउंट में चली जाती है डेली हो सकता है मंथली हो सकता है वीकली हो सकता है फोर्थ हो सकता है जैसे बैंको ने कमांड देगा तो हमें देखना पड़ेगा बैच जॉब्स कैसे रन होती है उसकी प्रिपरेशन कैसी है शेड्यूलिंग कैसी है और कैसे वो क्या वो ठीक से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही प्रिपरेशन मतलब वो क्या क्या वो बेस डेटा यूज कर रहा है शेड्यूलिंग कब कब करनी है और एग्जीक्यूशन क्या वो सही से हो रही है या नहीं हो रही तो एज एन ऑडिटर हमने बैच जॉब्स का एक्जाम्पल लिया जॉब्स इन बैचेस मीन्स प्रोसेस इन बल्क जो बल्क में प्रोसेस होती है मल्टीपल एंट्रीज एक साथ प्रोसेस होती है एक एक सिंगल एंट्री पंच नहीं करनी थर्ड है बैकअप डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन का क्या बैकअप है क्या तरीका है क्या वो टाइमली होता है या नहीं होता उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है स्टोरेज कैसे होता है और रिटेंशन कैसे है रिटेंशन मतलब कब तक वो रखा जाएगा स्टोरेज मतलब कहाँ पे स्टोर होगा सर्वर पे होगा लोकल सर्वर पे होगा ऑनलाइन होगा मॉनिटरिंग उसका कौन ध्यान रखता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग आपका जो डेटा सेंटर है उसकी परफॉर्मेंस कौन मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हमें चेक करनी होती है और उसे डॉक्यूमेंट करना होता है की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है डेटा क्या है और नेटवर्क कैसे है इसकी परफॉर्मेंस कैसी है जनरली हम जब मोबाइल यूज करते हैं तो हम बोलते हैं नहीं यार ये फोन

ये वो प्लान है जहाँ पे अगर कभी कोई डेटा करप्ट हो जाए तो आप कैसे उसे रिकवर करेंगे डिजास्टर रिकवरी प्लान कोई डिजास्टर हो जाए मतलब कोई कैलेमिटी आ गया क्रैश हो गया सिस्टम पूरा तो आप कैसे रिकवर करने वाले हैं व्हाट इज योर ऑप्शंस व्हाट इज योर वे आउट तो वो क्या है वो हमें चेक करने होते हैं हेल्प डेस्क फंक्शन हेल्प डेस्क के क्या क्या फंक्शन होते हैं उनको कौन देख रहा है रिकॉर्ड कर रहा है ट्रैक कर रहा है वो चीजें हमें बच्चों डॉक्यूमेंट करनी होती है रिकॉर्डिंग मॉनिटरिंग एंड चेकिंग सर्विस लेवल एग्रीमेंट सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है बच्चों सर्विस करने का एग्रीमेंट जैसे हमने क्या किया फॉर एग्जाम्पल सामने वाले पर्सन से कॉन्टेक्ट किया कंपनी ने की आप मेरे सिस्टम को मेंटेन करेंगे उसके लिए एनुअल मेंटेनेंस कर लिया आउटसोर्सिंग जनरली हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि हमारे किस किस तो वो चीजें आपको देखना और देखना कि क्या वो पूरा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट बेसिकली कि अब सिस्टम सिस्टम को मेंटेन करने के लिए को हमें आई एक्सपर्ट चाहिए तो हमने उससे सर्विस लेवल एग्रीमेंट हमने उससे एक एग्रीमेंट एंटर किया कि आप मेरे सिस्टम को मेंटेन करेंगे तो हमें उसको मॉनिटर करना है और उसका कंप्लायंस चेक करना है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी आप जो भी ऑडिट में करते हैं आपको डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत होती है तो सिमिलरली आप जो भी मैनुअल्स हैं सर्विस रिपोर्ट्स हैं वो सारे देखेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे ऑपरेशन मैनुअल एंड सर्विस रिपोर्ट्स तो आपको आईटी जनरल कंट्रोल में डेटा सेंटर के लिए क्या क्या चीजें देखनी जरूरी है क्या क्या चीजें मॉनिटर करनी है ओवरऑल मैनेजमेंट देखना है बैट जॉब देखना है बैकअप देखने हैं परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग देखनी है रिकवरी फ्रॉम फेलियर्स देखना है हेल्प डेस्क फंक्शन देखना है सर्विस लेवल एग्रीमेंट देखना है एंड मैनुअल्स एंड रिपोर्ट देखने हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करनी ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम चेंज सेकेंड टॉपिक था तो प्रोग्राम में चेंज की मतलब किसी प्रोग्राम में कौन चेंज करता है क्या वो सही से चेंज होता है नहीं होता वो चीजें सारी देखनी टू तो इंश्योर डेट मॉडिफाइड सिस्टम कंटिन्यू टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव की अगर प्रोग्राम में कोई चेंज हुआ है तो वो प्रॉपरली ऑथराइज है और वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को मीट कर रहा है ठीक है बच्चों चलिए बच्चों एक बार रीड करते हैं हमें चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस देखना है उसमें किस क्या डेफिनेशन है रोल्स हैं किसकी रिस्पांसिबिलिटी है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का मतलब हो गया बच्चों अगर किसी एप्लीकेशन में हमें चेंज करना है तो कैसे चेंज होगा कौन उसे चेंज करेगा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना कि चेंज सही हुआ है या नहीं हुआ सेकंड चेंज रिक्वेस्ट रिकॉर्ड एंड ट्रेक चेंज की रिक्वेस्ट किसने करी थी कौन पर्सन कौन सा बिजनेस यूजर है जिसने कहा था कि हमें चेंज चाहिए तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए वो प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए और ट्रैकिंग होनी चाहिए ट्रैकिंग सामने वाले पर्सन से रिक्वेस्ट आई फिर उसको रिप्लाई गया कि हाँ जी हमने रिक्वेस्ट आपका सिस्टम अपडेट कर दिया है फॉर एग्जाम्पल बच्चों जैसे जीएसटी जब आया था तो जीएसटी की वजह से रेट चेंज हो गए थे सर्विस टैक्स से जीएसटी में इम्प्लीमेंटेशन था तो चेंज मैनेजमेंट देखना हुआ कि किसने कौन रिस्पॉन्सिबल था करने के लिए चेंज रिक्वेस्ट अकाउंट्स वाले पर्सन ने आईटी वाले पर्सन को रिक्वेस्ट करी कि सर हमें ये रेट चेंज कराना है क्योंकि लॉ की कंप्लायंस जरूरी है ठीक है इसके बाद मेकिंग चेंजेस कौन चेंज कर रहा है देखना कि क्या वो एनालाइज करना क्या वो ठीक से हो गया उसका डिजाइन चेक करना डेवलपमेंट चेक करने की किस स्टेज पर है क्या उसका डिजाइन है और क्या वो डिजाइन जो है कंपनी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और एनालाइज करना उसे कि वो ठीक भी है या नहीं है एक बार बच्चों जब चेंजेस कर दिए जाते हैं तो उसे टेस्ट किया जाता है पायलट रन बेसिस पे देखा जाता है कि हाँ जी जो हमने टेस्ट चेक कर चेंज कर दिया क्या वो रिपोर्ट सही आ रही है या नहीं आ रही है टेस्ट चेंजेस चेंजेस को टेस्ट करना है तो वो को बोलता है जैसे को बोलेगा, कि आप देख लीजिए हमने चेंज कर दिया है की आपको कंफर्टेबल है तो बिजनेस यूजर क्या करता है बच्चों यूएटी देता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करके अपना अप्रूवल देता है की हां जी जो आपने किया था सारे ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है और एक बार जब यूजर एक्सेप्टेंस देता है तो आईटी वाला सिस्टम उसे सिस्टम में लाइव कर देता है कि हां जी ये गो लाइव हो गया है अब ये सिस्टम पे सबके लिए एप्लीकेबल है विच इज अप्लाई चेंजेस इन प्रोडक्शन सिस्टम में चेंज कर देना तो बच्चों अगर अभी तक की हम बात करें तो हमने क्या देखा हमने देखा कि चेंज कैसे होगा उसका क्या प्रोसेस है मतलब अगर किसी अकाउंटेंट को जीएसटी का रेट चेंज कराना है तो कैसे होगा उसकी रिक्वेस्ट किसने करी उसके बाद आई वाला पर्सन उसका रिस्पेक्टिव चेंज करता है और आपको बताता है की देखो मैंने चेंज कर दिया है एक बार आप चेक कर लो अगर वो ठीक है तो कन्फर्म कर दीजिए वंस आप कन्फर्म करेंगे तो मैं उसे गो लाइव कर दूंगा सारे सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दूंगा तो उसकी टेस्ट चेंजेस होती है टेस्ट चेंजेस कौन करेगा बच्चों सर अकाउंटेंट जो बिजनेस यूजर है वो चेक करता है कि हाँ सारे चेंजेस ठीक से हो गए हैं या नहीं हो गए इसे दूसरे वर्ड्स में कहा जाता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और जब वो कंफर्म करता है तो उसके बाद उसे सारे सिस्टम्स पे आईटी वाला पर्सन लगा देता है दिस इज अप्लाई चेंजेस इन प्रोडक्शन प्रोडक्शन मीन सारे सिस्टम्स पे लगा देना अब इसके अलावा बच्चों किस तरीके के चेंज हो सकते हैं इमरजेंसी चेंज हो सकता है या माइनर चेंजेस हो सकते हैं इमरजेंसी चेंज मतलब सिस्टम में कोई चेंज आना पड़ा आपने अकाउंटिंग पॉलिसी कोई चेंज कर दी उसके लिए इसके अलावा आप क्या देखेंगे आप देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन क्या है यूजर मैनुअल वगैरह क्या अवेलेबल है टेक्निकल मैनुअल्स क्या अवेलेबल है और यूजर्स को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि आईटी सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है लोग कैसे उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे जब तक उन्हें ट्रेन नहीं किया जाएगा तो आपको एज एन ऑडिटर यह भी चेक करना है कि और लोगों को रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो प्रोपरली नए सिस्टम पे काम कर सके तो बच्चों अगर हम इसे समराइज करें तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या चेंज प्रॉपर है या नहीं है प्रॉपरली अप्रूव है या नहीं मतलब सही जगह से रिक्वेस्ट आई है या नहीं आई है प्रॉपरली अप्लाई किया गया है या नहीं किया गया मतलब सिस्टम पे सही से किया गया है या नहीं किया गया इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंटेशन है क्या यूजर्स की ट्रेनिंग करी गई है क्या चेंजेस किस नेचर का आपका चेंज है माइनर चेंज है या मेजर चेंज है और जो सिस्टम में चेंज है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है सिस्टम प्रॉपरली चेंजेस इम्प्लीमेंटेड और नॉट तो ये चीजें हैं बच्चों जो एक ऑडिटर को जाननी जरूरी है जब वो प्रोग्राम चेंजेस करेगा थ्योरा था थ्योरिटिकल टॉपिक है आपको प्लीज इसे याद करना है सिमिलरली आपको ये सारे पॉइंट भी याद होने चाहिए सो डेट आप अपने एग्जाम में आंसर लिख सके ठीक है बच्चों तो अभी तक हमने दो टॉपिक समझे वन इज डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन एंड सेकंड इज प्रोग्राम चेंजेस हांजी जी बच्चों बच्चों अभी अपना टॉपिक है methods, टेस्टिंग टेस्टिंग मेथड्स मींस हमें कैसे करनी है अपने आईटी सिस्टम की क्या क्या तरीके क्या क्या मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं तो बच्चों हमारे पास चार तरीके के मेथड्स अवेलेबल हैं जब आप चैप्टर थ्री में जाएंगे तो आप इसे और डिटेल में समझेंगे वन इज इंक्वायरी इंक्वायरी होता है बच्चों क्वेश्चन पूछना पूछताछ करना मीन्स जैसे आप मैनेजमेंट के पास गए आप आईटी सिस्टम के आईटी हेड के पास गए आपने उनसे पूछा कि आप कौन सा सिस्टम सिस्टम लगाते हैं किस तरीके का है है क्या कॉन्फ़िगरेशन कौन सा वर्जन यूज करते हैं हम लोगों ने पहले एक टॉपिक समझा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आईटी सिस्टम और उसके अंदर हम लोगों ने वेरियस थिंग्स नोट डाउन करी थी की हाँ जी हमें क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी होती है तो वो सारी चीजें बच्चों आप इंक्वायरी में पूछ सकते हैं सेकेंड इज ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन होता है बच्चों कंट्रोल को एक्सिक्यूट होते हुए देखना ऑब्जर्व करना फॉर एग्जाम्पल बच्चों बायो बायोमेट्रिक अटेंडेंस का कंट्रोल है जैसे अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस है और हर पर्सन को अपना थम प्रिंट लगाकर ही एंट्री अलाउड है अदरवाइज एंट्री अलाउड नहीं है तो आप क्या कर सकते हो आप मेन गेट पे खड़े हो जाए और देखें जब एम्प्लॉयज आ रहे हैं तो चेक करो कि हाँ वो क्या वो बिना थम प्रिंट के एंटर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे क्या वो एंट्री के लिए उनका थम प्रिंट मैंडेटरी है या नहीं है तो बच्चों ये हो गया ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं थर्ड चीज होती है बच्चों इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन मीन डॉक्यूमेंट चेक करना जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सारे आप चेक कर रहे हैं आपने क्लाइंट से अपने बिजनेस से उन्होंने पेपर्स मांगे कि आप हमें पेपर्स दिखाइए अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स दिखाइए है वाउचर सिखाइए तो आपने वो देखे तो डेट इज इंस्पेक्शन एंड फोर्थ इज बच्चों रीपरफॉर्मेंस रीपरफॉर्मेंस होता है बच्चों खुद ही परफॉर्म करना जैसे डेप्रिशिएशन है अब डेन अगर आपको चेक करना है तो आप उसे दोबारा से रिकॉम्यूट रिकल्कुलेट कर सकते हैं एक कंफर्ट लेने के लिए ठीक है बच्चों चार मेथड कौन कौन से हुए सर इंक्वायरी हुआ ऑब्जर्वेशन हुआ इंस्पेक्शन हुआ और चौथा रिपरफॉर्मेंस हुआ अगर आप एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे एफिशियंसी मतलब जो जल्दी परफॉर्म हो सकता है जिसमें कम टाइम लगे वो बच्चों इंक्वायरी सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इंक्वायरी में से पूछना है आपने पूछा बात खत्म हुई आपको इंस्टेंट रिप्लाई होता है तो सबसे अच्छा इफेक्टिवनेस मतलब जिसका क्वालिटेटिव आउटपुट हो जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा हो जिसपे आप कंफर्ट ले सकते हैं इंक्वायरी में तो बच्चों आपने सिर्फ क्वेश्चन है हो सकता है कि उसका आंसर ठीक हो या ना हो आपने डॉक्यूमेंट कर दिया बट जब तक आप उसे चेक नहीं करोगे आपको उनके आंसर्स पर कंफर्ट नहीं आएगा तो इंक्वायरी बच्चों सबसे लो मेथड होता है सबसे हाई मेथड होता है इफेक्टिवनेस के लिए क्योंकि अगर आपने वो चीज रीपरफॉर्म कर ली और सेम ही रिजल्ट आ रहा है तो आपको बहुत अच्छा कंफर्ट आ जाएगा कि हाँ नंबर ठीक है तो अगर हम ब्रॉडली बात करें अभी तक की तो टेस्टिंग के लिए बच्चों चार तरीके इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस इंक्वायरी हाईली एफिशियंट मेथड होता है और रीपरफॉर्मेंस लीस्ट एफिशियंट मेथड होता है इंक्वायरी लोवेस्ट इफेक्टिवनेस वाला मेथड होता है रीपरफॉर्मेंस हाइएस्ट इफेक्टिवनेस वाला मेथड होता है इतनी बात देने बच्चों अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि आपको चारों में से कौन सा प्रोसीजर लगाना है क्या आप इंक्वायरी लगाएंगे ऑब्जर्वेशन लगाएंगे इंस्पेक्शन लगाएंगे रीपरफॉर्मेंस लगाएंगे तो बच्चों हम ये कहेंगे इट डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन ऑन द द ऑडिट दैट एंड इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट फॉर एक्साम्पल अगर आप डेप्रिशिएशन बोल रहे हैं तो आप रीपरफॉर्मेंस कर सकते हैं बट अगर आपको ये जानना है कि हाँ कंपनी का बिजनेस क्या है कंपनी के किस किस तरीके की आइटम्स हैं प्रोडक्ट हैं प्रोडक्ट टाइप्स हैं तो शायद इंक्वायरी इज द बेस्ट प्रोसीजर एंड इंस्पेक्शन आल्सो आप एनुअल रिपोर्ट्स में उनके चेक कर सकते हो अगर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन का कंट्रोल देखना है तो बच्चों ऑब्जर्वेशन कैन बी द बेस्ट प्रोसीजर आप वहां खड़े होकर देख लें कि क्या कैसे वो फिजिकली वेरीफाई कर रहे हैं तो डेट डिपेंड ऑन सिचुएशन कि आपको कौन सा मेथड लगाना है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है अगर हम जनरली बात करें बच्चों तो जनरली बच्चों इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन इज द मोस्ट एफिशियंट एंड इफेक्टिव मेथड यूज फॉर द ऑडिट अगर हम जनरली बात करें तो कौन सा मेथड होता है बेस्ट और एफिशियंट एंड इफेक्टिव इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन करेक्ट सबसे बेस्ट मेथड इफेक्टिवली कौन सा होता है परफॉर्मेंस कभी कभी बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंक्वायरी सिर्फ अकेले इंक्वायरी से आपका काम बन सकता है तो आप कहेंगे नहीं सिर्फ इंक्वायरी से काम नहीं बन सकता इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है जो भी आपको आपके क्लाइंट रिप्लाई दे रहा है आपको उसकी जांच पड़ताल करनी बहुत जरूरी है क्या वो ठीक बता भी रहा है या नहीं बता रहा तो अगर ओवरऑल क्रक्स की बात करें बच्चों तो बेस्ट मेथड कौन सा है सर इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन करेक्ट हाईली एफिशिएंट मेथड कौन सा है सर इंक्वायरी हाईली इफेक्टिव मेथड कौन सा है सर रिपरफॉर्मेंस कौन सा मेथड लगाना है सर सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा मेथड लगाना है क्या सिर्फ इंक्वायरी इज सफिशियंट प्रोसीजर नहीं बच्चों इंक्वायरी सफिशियंट प्रोसीजर नहीं होता ठीक है चलिए एक बार रीड करते हैं रीपरफॉर्मेंस इज मोस्ट इफेक्टिव एज एन ऑडिट टेस्ट रीपरफॉर्मेंस सबसे इफेक्टिव होता है एंड गिव्स द बेस्ट एविडेंस हाउएवर टेस्टिंग बाय री परफॉर्मेंस कुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग टाइम रीपरफॉर्मेंस करने में बच्चों बहुत समय लगता है इस वजह से वो सबसे एफिशियंसी में लोवेस्ट साइड आता है हाईवर उसकी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी होती है क्यूँकी उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन इज इफेक्टिव प्लस एफिशियंट वे अगर आप ऑडिट के जनरल पायल्स की भी बात करें तो सबसे मोस्टली वाइडली यूज होने वाला मेथड बच्चों कौन सा है इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन मतलब आपने उनसे क्वेश्चन पूछा फिर वो चीज चेक करी फॉर एग्जांपल आपने अपने क्लाइंट से पूछा कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट है उन्होंने कहा हमारे प्रोडक्ट है एबीएनसी इंस्पेक्शन के लिए आप उनकी वेबसाइट पे गए आपने उनकी एनुअल रिपोर्ट चेक करी आपने उनके मिनट चेक किए की कि हांजी जो वो बता रहे है एबीसी क्या एबीसी ही है ना कोई और प्रोडक्ट तो कंपनी नहीं सेल करती तो इन्क्वायरी प्लस इंस्पेक्शन इज मोस्ट वाइडली यूज मेथड एंड

अपलाइंग इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद इंस्पेक्शन गिव्स द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशियंट ऑडिट एविडेंस जनरली इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन बेस्ट मेथड होता है हाउ एवर विच ऑडिट टेस्ट टू यूज वेन इन वट कॉम्बिनेशन इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट आपको इन चारों में से कौन सा मेथड यूज करना है कितना कॉम्बिनेशन यूज करना है वो किसका मैटर है बच्चों प्रोफेशनल जजमेंट का और सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा अब आप जो भी जजमेंट लेते हैं हमें पता है कि हमें उसे डॉक्यूमेंट करना होता है तो ऑडिटर ने क्या जजमेंट ली है ऑडिटर ने कौन सा मेथड यूज किया और क्यों किया है उस जजमेंट का क्या रैशनल है उसे वो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा एज पर एस ए टू थर्टी ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट द जजमेंट प्लस द मेथड टू बी यूज फॉर इट मीन ऑडिटर ने जो जजमेंट ली है प्लस उसका रैशनल क्या है ऑडिटर को वो डॉक्यूमेंट करना है और कौन सा मेथड वो यूज कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए क्यों कर रहे हैं वो चीज डॉक्यूमेंट करनी है ठीक है बच्चों तो ये हो गए हमारे चार मेथड जो हमें टेस्टिंग जिस तरीके से करनी होती है वो ये चार मेथड होते हैं ये चारों मेथड बच्चों चाहे ऑटोमेटेड एनवायरमेंट में चेकिंग हो चाहे मैनुअल एनवायरमेंट में चेकिंग हो दोनों सेम ही रहते हैं बस ये कि ऑटोमेटेड में थोड़े से प्रोसीजर जो होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड हो जाते हैं बट मैनुअल में कंप्यूटर बेस्ड से थोड़े बाहर आ जाते हैं मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स वाउचर्स वगैरह देखने पड़ते हैं हाउएवर टेस्टिंग प्रोसीजर्स टेस्टिंग मेथड्स ऑडिट के अंदर यही चार होते हैं और वो सेम रहते हैं ठीक है बच्चों हाँ जी बच्चों बच्चों अभी अपना टॉपिक है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कि क्या क्या रेगुलेशन है जो लॉ में डिफाइंड है जिसके अंदर किस किस पर्सन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है चलिए बच्चों अब इसमें बच्चों हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है आई एफ सी आई एफ सी के बारे में बच्चों हम ऑलरेडी डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं अभी जस्ट एक ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि आई एफ सी क्या था अगर आपको याद हो तो आई एफ सी क्या करता था सर आई एफ सी वो पॉलिसीज होती थी और प्रोसीजर होती थी जो कंपनी ने लगाई है ताकि एक रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो सके ऑपरेशन की इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस मेंटेन हो सके लॉ के साथ कंप्लायंस हो सके एसेट्स का सेफ गार्ड हो सके और फ्रॉड को रोका या डिटेक्ट किया जा सके ठीक है इस इसपे हम डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों ये है सेक्शन ये बताता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बता रहे है किसके ऊपर एप्लीकेबल है वन थर्टी ही कहता है की सारी लिस्टेड कंपनीज के केस में आई लगाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉसिबिलिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बच्चों बताना पड़ता है अब एक्टर स्टेटमेंट में कि क्या उन्होंने कंट्रोल्स लगाए हैं और लगाए हैं और सही लगाए हैं नहीं लगाए हैं क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो अगर हम सिंपल शब्दों में बोले तो लिस्टेड कंपनीज के, के केस में बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्सिबिलिटी है एज पर सेक्शन वन थर्टी फोर के अंदर की हाँ जी आप कंट्रोल्स लगाए और कंट्रोल सही से काम करें लिस्टेड कंपनीज के अलावा जो बाकी कंपनीज बच गई उनके लिए बच्चों इस सेक्शन के अंदर डिफाइंड है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना होता है कि क्या कंट्रोल्स लगे हैं और सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अब बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा तीन लोग और आते हैं वन इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वन इज ऑडिट कमेटी थर्ड इज ऑडिटर इन तीनों पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों फिक्स करी गई है। कैसे सेक्शन वन फोर्टी नाइन एट एंड शेड्यूल फोर के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कोई भी कंपनी जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को खुद को कम्फर्ट लेना है की हाँ कंपनी पे कंट्रोल्स है सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सिमिलरली सेक्शन वन सेवेंटी सेवन के अंदर ऑडिट कमेटी को कम्फर्ट लेना है की हाँ की कंट्रोल्स लगाए गए हैं और सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ऑल कंपनीज हैविंग ऑडिट कमेटी इंडिपेंडेंट एक्टर्स के किस में ऑल कंपनीज हैविंग इंडिपेंडेंट

है। एक छोटी सी चीज और बच्चों इससे पहले बढ़े यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एस्टिक मार्क है, है। ये दोनों चीजें बता रही है की इनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट कब से एप्लीकेबल हुई अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनीज के केस में लिस्टेड कंपनीज के ऊपर स्टार मार्क्ट है एस्टिक मार्क है सी कब से एप्लीकेबल हुआ है 2014 के ऊपर देन 143 ऑडिटर्स ऑल कंपनीज पे यहां पे हैश मार्क है ये कब से एप्लीकेबल हुआ है ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन आई एफ सी इज एप्लीकेबल फ्रॉम द देंशियल और वर्ष दो हजार 2015-16 के बाद ये शुरू हुआ है जिसमें ऑडिटर को अलग से एक ओपिनियन देनी पड़ती है वेर इन द दैचुटरी ऑडिटर्स अलॉन्ग विद देयर ओपिनियन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड ऑल्सो प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन द डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ दैलेंस शीट डेट मीन टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन के बाद ऑडिटर को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर भी रिपोर्टिंग करनी है ठीक है बच्चों इंटरनल कंट्रोल का जो चैप्टर था वहां पर हम लोगों ने ये रिक्वायरमेंट डिटेल में समझी है तो क्लर्स की बात करें तो लिस्टेड कंपनीज पे कब से एप्लीकेबल हुआ बच्चों सर फर्स्ट अप्रैल 2014 से एंड ऑडिटर को कब से कमेंट करना है कंपनीज के ऊपर 2015 16 पे ठीक है बच्चों चलिए बच्चों एक बार रीड कर लेते हैं सेक्शन 134 5 ई ऑफ द एक्ट इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनीज दैट डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट शैल स्टेट दैट द डायरेक्टर हैड लेड डाउन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स टू बी फॉलोड बाय द कंपनी एंड दैट सच इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर एडिक्वेटली वर आर एडिक्वेट एंड वर ऑपरेटिंग जैसा हमने कहा सेक्शन वन थर्टी है कि डायरेक्टर को अपनी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में लिखना है क्या लिखना है कि उन्होंने क्या कंट्रोल्स लगाए हैं और जो कंट्रोल्स लगाए हैं वो एडिक्वेट हैं और सही से काम कर रहे हैं या नहीं है ठीक है बच्चों सेकेंड है सेक्शन वन जिसके अंदर ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है दर शेल स्टेट वेदर द कंपनी हैज एडिक्ड आई सिस्टम इन प्लेस एंड ऑल्सो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल ऑडिटर को बताना है क्या कंपनी के पास इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं और क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं है ये रिक्वायरमेंट बच्चों कब आई थी हमने देखा ये रिक्वायरमेंट आई थी फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है क्या ये सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है तो हम कहेंगे बच्चों नहीं ये सब कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये फॉलोइंग कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है दिस रिक्वायरमेंट शेल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी विच वन कंपनी और स्मॉल कंपनी जो या तो ओपीसी है वन पर्सन कंपनी है स्मॉल कंपनी है और जिसका टर्नओवर हैजर्न ओवर लेस देन फिफ्टी करोड़ एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड विच हैज एग्रीगेट बॉलोइंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नी बॉडी फाइव करोड़ अगर हम समरी में बोले तो ये किसके ऊपर नहीं है किसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो या तो ओपीसी है या स्मॉल कंपनी है दूसरा जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर का लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब लास्ट ईयर का टर्न ओवर करोड़ से कम है एंड करंट ईयर के अंदर बोरोइंग 25 करोड़ से कम है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रॉम एनी पर्सन फ्रॉम एनी बॉडी अगर ये चीज क्रॉस करती है तो उसको अपना आई का ऑडिट कराना जरूरी है और ऑडिटर को उसके ऊपर रिपोर्ट करना जरूरी है बट अगर ये लिमिट क्रॉस नहीं करती कोडिटर तो को आई एफ सी के ऊपर रिपोर्ट करना मैंडेटरी नहीं है ऑडिटर बच्चों दो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करता है एक स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट एस पर एस एंड सेकंड बच्चों आई के ऊपर वो रिपोर्ट इशू करता है क्या की क्या आई कंपनी लगाए हैं या नहीं लगाए एंड क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता ये दो टाइप की जो कंपनीज है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता बाकी सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है दो टाइप क्या है ऐसी प्राइवेट कंपनी जो या तो ओपीसी है स्मॉल कंपनी है या जिसका लास्ट ईयर का टर्न क्या है बच्चों सर पचास करोड़ से कम है और करंट ईयर की बोराइंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 25 फाइव करोड़ अगर ये इससे ज्यादा होती है तो ऑडिटर को उसके आई एफ पे रिपोर्ट करना मैंडेटरी है नेक्स्ट है बच्चों सेक्शन 177, 177 है बच्चों ऑडिट कमेटी का एवरी ऑडिट कमेटी एक्ट इन इन अकॉर्डेंस विद द द द टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाइड राइटिंग बाय बोर्ड विद इंटर आलिया इंक्लूड इवेलुएशन ऑफ आई एफ सी एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हर ऑडिट कमेटी को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के इवेल्युएशन और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर चेक करना और कमेंट करना जरूरी होता है ऑडिट कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चेक करे की कंपनी का एफ सिस्टम सही है या नहीं है तो सर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम सही है या नहीं है चौथा बच्चों हम लोगों ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का और पढ़ा था एज पर सेक्शन वन फोर्टी नाइन एट ऑफ द एक्ट विच डाउन

के जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं वो ठीक है डिफेंसिबल मतलब, मतलब वो किसी अलर्म स्टेटमेंट को होने से रोक सकते हैं ठीक है, है बच्चों तो हमने कहा चार लोगों की रिस्पॉसिबिलीटी हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिटी इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेटरी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी द लास्ट पॉइंट बच्चों एक चीज बताइए कंट्रोल्स लगाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर हमने पहले भी पढ़ा है कंट्रोल्स लगाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइमरी मैनेजमेंट की ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चेक करना कि मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स लगाए हैं और कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं या नहीं है मतलब डिजाइन मैनेजमेंट ने सही कंट्रोल लगाए हैं और ऑपरेटिंग वही मतलब ऑपरेटिंग इफेक्टिव इफेक्टिवली मीन वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप प्लीज शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज मत करना द डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट है प्राइमरी रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ इंप्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग एन इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बच्चों सर मैनेजमेंट की है एंड द ऑडिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू इवेलुएट वैलिडेट एंड रिपोर्ट ऑन द डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑडिटर को तो सिर्फ चेक करना है कि उसका डिजाइन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है या नहीं है ऑडिटर का, का काम कंट्रोल लगाना है नहीं है कंट्रोल लगाने का काम किसका है सर कंट्रोल लगाने का काम मैनेजमेंट का है ऑडिटर का, का काम तो सिर्फ चेक करने का है की वो कंट्रोल सही से लगाए गए हैं और सही से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं है क्या उनका डिजाइन ठीक है और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं है यहाँ पर बच्चों दो तो टर्म्स तो यूज हुई है वन इज रॉबर्स एंड सेकेंड इज डिफेंसिबल रॉबर्ट मतलब बहुत अच्छे

असेस करेंगे आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे थर्ड आप अपने कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखेंगे फोर्थ आप रिपोर्टिंग करेंगे हमने क्या कहा पहले आप रिस्क असेस करो रिस्क असेस करो की हांजी जी कौन कौन सी आपको लगता है कि हाँ गड़बड़ हो सकती है उनकी जो आपको लगता है कि हाँ रिस्क असेसमेंट में हमें ये रिस्क समझ आ रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग लो उनसे रिलेटेड कंट्रोल्स देखो कि हाँ उनसे रिलेटेड क्या क्या कंट्रोल्स हमारे लिए रेलेवेंट हैं। उसके बाद उन कंट्रोल्स को चेक करो क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे अगर वो सही काम कर रहे हैं अच्छी बात है और अगर नहीं काम कर रहे हैं तो आपको आगे रिपोर्ट भी करने होंगे की हाँ जी ये प्रॉब्लम थी ये ऐसे कंट्रोल थे जो सही काम कर रहे थे एक्स नंबर ऑफ कंट्रोल ऐसे थे जो सही काम नहीं कर रहे थे बट उनकी जगह दूसरे कंट्रोल्स है

नहीं रिस्क असेसमेंट में बच्चों फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट अकाउंट एंड अकाउंटर आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट एंड अकाउंटर मतलब कौन कौन से आपके लिए मेटीरियल है, है और कौन कौन से अकाउंट इम मेटीरियल है वो देखना क्योंकि आप सारा काम मटीरियल अकाउंट सिग्निफिकेंट अकाउंट पे करते हो इमरियर चीजों पे नहीं करते हो सेकेंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंसिडरेशन क्वांटिटेटिव मतलब मॉनिटरी टर्म्स में मटेरियल होना क्वालिटेटिव मतलब यूजर के

क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीजों को देखते हो क्वांटिटेटिव मतलब जो बड़ी है है मटेरियल नंबर क्वालिटेटिव जो जिसकी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर आपके यूजर की जितने को अफेक्ट कर सकता है तो फर्स्ट स्टेप में आपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई की कौन कौन से मटेरियल अकाउंट है उसके लिए आपने क्वालिटेटिव एंड क्वांटेटिव दोनों चीजों को देखा थर्ड चीज देखी रेलिवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अजर्शन मीन्स आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जैसे आ, आ, हम लोग जनरली इन्वेंट्री में बोलते हैं कि में हम वैल्यूएशन चेक चेक करेंगे चेक करेंगे एग्जिस्टेंस तो ये वैल्यूएशन और होता है बच्चों अजर्शन जब आप चैप्टर में जाएंगे तो आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अजर्शन मीन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें जाननी है आइडेंटिफाई लाइकली सोर्स ऑफ माइ स्टेटमेंट कहाँ कहाँ गलती हो सकती है कहाँ गड़बड़ हो सकती है आप ये सोचोगे फोर्थ कंसिडर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी सिस्टम

गलत हो सकता है जीएसटी रेट्स गलत हो सकते हैं ये सारी गड़बड़े हो सकती हैं। इसी के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आईटी की वजह से आप क्या रिस्क तो इस तरीके से बच्चों आपने ना रिस्क असेस किया तो अगर कोई बोले कि रिस्क असेस कैसे करते हैं तो आप बोलेंगे इसमें हम पांच एक्टिविटीज करेंगे क्या आइडेंटिफाई करेंगे कौन से सिग्निफिकेंट अकाउंट है हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्वालिटेटिवेशन दोनों का ध्यान रखेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जैसे कंप्लीटनेस ये चेक करेंगे फोर्थ हम आइडेंटिफाई करेंगे कि की कहा से गड़बड़ हो सकती है फिफ्थ हम कंसिडर करेंगे कि आईटी का क्या रिस्क है ठीक है बच्चों ये तो हो गया बच्चों रिस्क असेसमेंट अब आती है बच्चों सेकंड चीज जब आपको पता लग गया कि रिस्क क्या है अब आप समझोगे कि हाँ क्लाइंट किस तरीके का है उसके किस तरीके के कंट्रोल्स हैं आप समझोगे और देखोगे कि हमें क्या क्या चेक करना चाहिए तो हम क्या करेंगे इसमें हम इसमें भी पांच एक्टिविटीज करेंगे हम डॉक्यूमेंट करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस यूजिंग फ्लो चार्ट एंड नरेटिव हम बिजनेस के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है नो योर क्लाइंट के बारे में जो हमने पहले भी पढ़ा है उसको समझेंगे और उसे डॉक्यूमेंट करेंगे एक टर्म यूज हुई है बच्चों यहाँ पर फ्लो चार्ट और दूसरी टर्म यूज हुई है बच्चों और ने हम लोग पहले भी समझ चुके हैं अर्लियर चैप्टर्स में एक छोटा सा ब्रीफ और बता देते हैं बच्चों फ्लो चार्ट होता है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन आप क्या करते हैं अपने क्लाइंट से उसका जो प्रोसेस है बिजनेस का प्रोसेस है कि फॉर एग्जाम्पल सेल्स कैसे होती है सेल्स ऑर्डर कहाँ से शुरू होगा सेल्स ऑर्डर से लेके आपके पास सेल्स कैसे एक्सिक्यूट होगी वो जो पूरा प्रोसेस है आप उसका फ्लो चार्ट ले सकते हैं डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ले सकते हैं या फिर नैरेटिव ले सकते हैं नैरेटिव आपने पहले भी जैसे समझा था नैरेटिव होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन पूरा वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ होता है कि हाँ क्या क्या चीज कैसे कैसे होगी कौन अप्रूव करेगा सामान कैसे मूव करेगा एवरी इज डिस्क्राइब्ड इन दैट तो उसको आप लेंगे क्लाइंट से चाहे फ्लो चार्ट ले चाहे नेगेटिव ले और समझेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हाँ कंपनी का आपके क्लाइंट का बिजनेस प्रोसेस कैसा है ये हो गया पच्चो पॉइंट नंबर वन अब पॉइंट नंबर टू में हम रिस्क एंड कंट्रोल मैटेसिस बनवाएंगे क्लाइंट से और वो लेंगे रिस्क एंड कंट्रोल मैटेसिस बेसिकली बताता है कि मेरे क्या क्या रिस्क हैं और उनसे रिलेटेड मेरे क्या क्या कंट्रोल्स हैं जैसे हमने कहा एक रिस्क है कि कैश फिजिकली होता है तो हो सकता है ना हो एक्सिस्टेंस ना हो कंट्रोल हमने लगाया कि की जी डेली बेसिस पे मैनेजर और सीनियर मैनेजर कैश काउंट करेंगे और वेरीफाई करेंगे तो ऐसे आपको क्या क्या रिस्क है और क्या क्या कंट्रोल्स हैं वो आपको ढूंढने पड़ेंगे कंपनी से पूछने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना पड़ेगा इसे कहा जाता है बच्चों इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे रिपोर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए तो आपको कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लोगे बच्चों कैसे लोगे आपने एक टर्म पढ़ी थी वॉक थ्रू फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एंड टू एंड चेकिंग करना वॉक थ्रू कर जाना जो हमने इसी चैप्टर में पहले पढ़ी है तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि कंट्रोल का डिजाइन कैसा है किस तरीके का कंट्रोल है बाय परफॉर्मिंग वॉक थ्रू ऑफ एंड टू एंड प्रोसेस। वॉक थ्रू मतलब एक सैंपल डिटेल में चेक करना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ताकि आपको आपको समझ आ जाए कि क्या प्रोसेस है और किस तरीके का मेरा कंट्रोल है तो अभी तक बच्चों आपने क्या किया आपने अंडरस्टैंड किया बिजनेस क्या है आपने आरसीएम लिया थर्ड आपने कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंगली वॉक थ्रू करके अभी तक आपने कंट्रोल की चेकिंग नहीं करी है अभी तक आप सिर्फ समझ रहे हो करेक्ट इसके बाद आप समझोगे बच्चों कि आपके प्रोसेस वाइड फॉर एंटिटी लेवल कंट्रोल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रोसेस वाइड वाइडिडेशन फॉर एंटिटी लेवल कंट्रोल मतलब ई एल सी एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किस तरीके की है आपकी कंपनी में क्या प्रोसेस फॉर कंसिडरेशन मीन्स आपको ध्यान देना है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पे क्या सेल्स का बंदा अलग है परचेस का बंदा अलग है ऐसा तो नहीं एक ही बंदा दोनों काम कर रहा हो करेक्ट ऐसा तो नहीं एक ही बंदा कैश रिसीव भी कर रहा हो वही कैश डिस्पर्स भी कर रहा हो तो क्योंकि रिसीव और डिस्पर्स अगर सेम पर्सन करेगा तो वो रिसीव कर लेगा और डिस्पर्स कर देगा और दोनों के एंट्री 100 100 की एंट्री डालेगा सौ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए तो दोनों की एंट्री उसने मिस कर दी कहीं पे नहीं दिखाई किसी को पता नहीं लगेगा तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना बहुत जरूरी है आपको समझना पड़ेगा एंटिटी लेवल कंट्रोल कैसे है एंटिटी लेवल कंट्रोल होता है बच्चों एंटिटी कंपनी के लेवल पर क्लाइंट के लेवल पे कंट्रोल मीन्स टॉप मैनेजमेंट के कंट्रोल टॉप मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल कर रहा है पूरे बिजनेस को क्या वो सबको टाइमली बताता है कि हमें सही से काम करना है इंटीग्रिटी से काम करना है अगर कोई बंदा गलत काम करता है तो उसके अगेंस्ट वो क्या एक्शन लेते हैं तो टॉप मैनेजमेंट के जो कंट्रोल होते हैं उसे कहा जाता है बच्चों ई एंटिटी लेवल कंट्रोल एंटिटी लेवल कंट्रोल मीन टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल और इसको हम बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में मैनेजमेंट रिव्यू कंट्रोल जो मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहा है लोगों को बता रहा है लोगों को कि देखो हम सही से काम करना चाहते हैं गलत काम नहीं करना चाहते और कोई गलत काम करेगा तो हम उसको पनिशमेंट देंगे तो आपको समझना है देखना है कि किस तरीके का है आपको देखना है कि कंपनी पे क्या आईटी जनरल कंट्रोल है क्या एप्लीकेशन कंट्रोल है तो हमने कहा आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो इवेल्युएट कर रहे हो अंडरस्टैंड कर रहे हो और देख रहे हो कि किस तरीके की चीजें हैं इवेलुएट कर रहे हो क्या पहले आपने अंडरस्टैंडिंग ली डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस की किससे बाई यूजिंग फ्लो चार्टेटिव फ्लो बच्चों हम पहले समझ चुके हैं आपने आरसीएम बनवाया थर्ड आपने वॉक थ्रू किया एंड टू एंड चेकिंग के लिए फोर्थ आपने एंटिटी लेवल कंट्रोल आपने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज देखा आपने देखा कंपनी पे क्या आईटी जनरल कंट्रोल है और क्या एप्लीकेशन कंट्रोल है तो जब आप एक ऑडिट शुरू करना चाहते हो स्टेप वन में क्या करते हो बच्चों आप हम रिस्क असेस करते हैं और दूसरा क्या करते हो सर हम अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट करते हैं कंपनी के किसको प्रोसेस को कंट्रोल्स को रिस्क असेस करते हो किस चीज के लिए लाइवलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या रिस्क है आई की वजह से क्या अदर सोर्सेज है जिससे आपको लग रहा है कि हाँ गड़बड़ हो सकती है ठीक है बच्चों तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि ऑडिट अप्रोच में चार चीजें होती है रिस्क असेसमेंट होता है अंडरस्टैंड एंड होता है फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं फिर हम उसको कंक्लूड करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं तो दो पॉइंट्स हम लोग बच्चों पहले समझ चुके हैं अब हम तीसरी चीज समझेंगे टेस्ट फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस अगर आप इस वर्ड को देखें तो हम कह रहे हैं हम अब कंट्रोल्स की टेस्टिंग करेंगे क्या चीज चेक करने के लिए क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है या नहीं है करेक्ट तो बच्चों आपको टेस्ट करने के लिए क्या चाहिएगा सर हमें पॉपुलेशन चाहिएगी

और सैंपल की चेकिंग करोगे कि हाँ जी सैंपल्स ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे इसके अलावा बच्चों आप उनकी क्या चेक करते हो सर हम उनकी रिपोर्ट चेक करते हैं और एम्प्लॉइज और स्टाफ के बारे में चेक करते हैं कि स्टाफ कॉम्पिटेंट है या नहीं है ठीक है तो अगर हम टेस्टिंग इफेक्टिवनेस की बात करें तो बच्चों आपको कंट्रोल्स के बारे में पता होना चाहिए उसके से आप पॉपुलेशन निकालोगे पॉपुलेशन में सैंपल चेक करोगे प्लस आप रिपोर्ट चेक करोगे और स्टाफ के बारे में चेक करोगे ठीक है बच्चों तो क्या हम ये कह सकते हैं असेस नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग कि आपको कितनी कंट्रोल टेस्टिंग करनी है कब करनी है किस तरीके की करनी है नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट मतलब कब करनी है कितनी करनी है और किस तरीके की करनी है आपको फिजिकली देखना है इंस्पेक्शन करना है क्या करना है कब करना है कितने सैंपल चेक करने हैं तो आपको डिसाइड करना होगा उसके बाद आप क्या करोगे आप असेस असिस्ट ऑफ सोर्स ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ पॉपुलेशन आप पॉपुलेशन लोगे सारा डेटा लोगे और चेक करोगे क्या वो कंप्लीट है या नहीं क्या वो ठीक है या नहीं और देखोगे क्या वो सही सोर्स से आई है या नहीं आई मतलब आप पॉपुलेशन लोगे और पॉपुलेशन पे कंफर्ट लोगे कि आपका डेटा ठीक है या नहीं है थर्ड बच्चों आप टेस्ट करोगे की रिपोर्ट एंड स्प्रेडशीट को जो सिस्टम से रिपोर्ट वगैरह निकलती है आप उन्हें चेक करेंगे स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल एक्सेस रिपोर्ट जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड होती है आप वो चेक करोगे क्या वो ठीक है या नहीं है चौथा सैंपल टेस्टिंग करोगे प्लस आप कंसिडर करोगे कॉम्पिटेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्टाफ टीम परफॉर्मिंग कंट्रोल टेस्टिंग आप चेक करोगे कि हाँ क्या आपके पास जो पर्सन है जो वो टेस्टिंग कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है ठीक है बच्चों क्यों क्योंकि अगर कॉम्पिटेंट स्टाफ होगा ठीक स्टाफ होगा तो आपकी टेस्टिंग भी ठीक होगी लास्ट बच्चों होता है रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग मतलब कंक्लूड करना रिपोर्ट करना तो आपने जो टेस्टिंग करी आप उसकी अब चेकिंग करोगे कि हाँ जो आपको कमियां मिली वो किस तरीके की है कि आपको सब सही मिला या गलत मिला अगर सब सही मिला तो ठीक है अगर नहीं मिला है तो वो किस तरीके की प्रॉब्लम है आप कंट्रोल इवेल्यूएस डेफिशिएंसीज इवेलुएट करोगे कि जो आपको कंट्रोल में कमियां मिली है वो कैसी है छोटी कमी है बड़ी कमी है बहुत बड़ी कमी है छोटी है तो आप बोलोगे छोड़ दो बड़ी कमी है तो आप बोलोगे हाँ जी हमें मैनेजमेंट को बताना चाहिए या अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताना चाहिए होगा बच्चों हां जी सर तो आपको देखना है कि किस तरीके की कमी है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या मटेरियल वीकनेस है ये दोनों टर्म्स बच्चों आप आगे जाके समझेंगे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी या मटेरियल वीकनेस अभी हम ये बोलेंगे कि क्या बड़ी कमी है बड़ी कमी है तो आपको मैनेजमेंट को बताना होगा और ऑडिट रिपोर्ट में लिखना होगा कि की हाँ जी बड़ी कमी मिली है इंटरनल कंट्रोल मेमो और मैनेजमेंट लेटर इंटरनल कंट्रोल मेमो और मैनेजमेंट लेटर आप मैनेजमेंट को बताते हो कि देखो बड़ी कमी हमें मिली है इसके अलावा इन कमियों का निवारण क्या है सॉल्यूशन क्या है इनको कैसे कम किया जा सकता है रेमेडिएशन ऑफ कंट्रोल वीकनेसेस कि आपको जो कंट्रोल में कमी मिली है ये कैसे ठीक हो सकती है क्योंकि ये भी आपको मैनेजमेंट को बताना होगा और खुद भी अपने वर्क पेपर में डॉक्यूमेंट करना होगा कि हाँ जी, इन कमियों को आपने कैसे क्लोज किया आपने ऑडिट पे कैसे कंफर्ट लिया तो अगर हम ब्रॉडली बात करें बच्चों रिपोर्टिंग में रिपोर्टिंग में बच्चों क्या हुआ आप सारी चेकिंग करके आ चुके हो अब आपको कंक्लूड करना है तो आप अपनी कंट्रोल जो आपको मिली है वो कंक्लूड करो कि किस तरीके की है छोटी कमी है बड़ी कमी है अगर बड़ी कमी है जब मतलब सिग्नल या मटेरियल वीकनेस है तो आपको मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा आप मैनेजमेंट को बताओगे या तो इंटरनल कंट्रोल मेमो से या मैनेजमेंट लेटर से प्लस अगर जरूरत है तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को भी मॉडिफाई करोगे क्वालिफाई करोगे एंड लास्ट इज आपको ये भी चेक करना पड़ता कि जो आपको कमियां मिली उसको आप कैसे दूर कर सकते हो उसका रेमेडिएशन क्या है ठीक है बच्चों तो ये चार चीजें हैं ऑडिट अप्रोच के लिए फर्स्ट इज आपको रिस्क असेस करना है और प्लस आपको ढूंढने की कहां कहां से गड़बड़ हो सकती है आईटी रिस्क रिस्क देखना देखना है देखना है अदर और मिस स्टेटमेंट के सोर्सेस देखने हैं फिर सेकंड चीज क्या होता है बच्चों सर हमें अंडरस्टैंड और इवेलुएट करना है हमें देखना है की कंपनी पे किस तरीके के प्रोसेस है कंपनी पे किस तरीके के कंट्रोल्स है इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है सर हमें वॉकथू करने की जरूरत पड़ती है थर्ड चीज बच्चों टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में आपको क्या करना है आपको कंट्रोल्स का किस तरीके की टेस्टिंग करनी है वो देखना है पॉपुलेशन चाहिए सैंपल चाहिए फिर आप रिपोर्ट्स चेक करोगे प्लस आप देखोगे आपका स्टाफ कॉम्पिटेंट और इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड फोर्थ आप कंक्लूड करोगे कि जी आपको किस तरीके की कमी मिली है क्या कमी छोटी है या बड़ी बड़ी है बड़ी कमी मतलब या तो सिग्नल डेफिशिय है या मटेरियल वीकनेस है उसके बेसिस पे आप मैनेजमेंट को बताएंगे मैनेजमेंट लेटर बनाएंगे ऑडिट रिपोर्ट में जरूरत है तो वो आप ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे एंड लास्ट इज आप ये भी चेक करोगे की इन कंट्रोल वीकनेसेस को कैसे दूर किया जा सकता है ठीक है बच्चों